हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का आपका और मेरा अन अकेडमी यूपीएससी, और आप देख रहे हैं मेरे साथ द मॉर्निंग करंट मास्टर सीरीज। मॉर्निंग करंट मास्टर सीरीज में हम कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और पीआईबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। आज की तारीख है 19 जनवरी 2021 का तारीख है और हम हो चुके हैं लाइव अपने करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। आइए फटाफट से शुरू करते हैं सेशन को और बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं इश्यूज का और फटाफट से देखते हैं जो छोटे मोटे अपडेट्स हैं उनको। चलिए तो फटाफट से शुरू किया जाए, बट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां, कुछ मैंडेटरी जानकारी। वो मैंडेटरी जानकारियां क्या हैं? वो मैंडेटरी जानकारी ये है सर कि सबसे पहले तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए आप। मेरे सेशन के सारे डिटेल्स, सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिला करेंगे, है ना। यूट्यूब सेशन की टाइमिंग्स ये हैं और अन अकेडमी ऐप पे जो क्लासेस होती हैं उनकी टाइमिंग्स ये हैं। इनमें कुछ चेंजेस आता है तो मैं आपको इसी क्लास में बता दिया करता हूँ। चलिए, नए बैचेस जो हैं वो कल से शुरू होने वाले थे, कल से शुरू हो गए हैं। कल से 9 बैचेस शुरू हुए हैं, तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और आप प्लान कर रहे थे ज्वाइन करने का, तो आज भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली जो क्लास है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। 2021, 2022 और 2023, है ना, ऐसे बैचेस यहाँ पर शुरू हुए हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और बायलिंगुअल में, ठीक है। तो 3x3 टोटल 9 बैचेस शुरू हुए हैं 2021 के लिए हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल, 2022 के लिए हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बाकी की डिटेल्स मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा, बट जब भी आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें तो आपको यूज़ करना है ये वाला कोड DN लाइव, जो कि मेरा कोड है। इस ऑसम कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए तो फटाफट से चलते हैं सेशन की तरफ। फी रिलेटेड डिटेल्स जो है वो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चंदल, रेशमा, रेशमा द्विवेदी काफ़ी समय के बाद दिख रही है, मानस, नेहा यादव, सोनाली, गुड मॉर्निंग कंचन जोशी, गुड मॉर्निंग तुलसी, गुड मॉर्निंग आरती, गुड मॉर्निंग रेहान फुरकान, जहरुल इस्लाम, चलिए जी शिल्पा, ओके गाइज, चलो आओ फटाफट से शुरू कर लेते। तो सबसे पहला अपडेट है हमारे पास बैड बैंक के बारे में। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया हुआ है ये, इंडियन एक्सप्रेस, है ना। अभी रात को 2 बजे ही अपडेट हुआ है, आज रात में ही, तो मैं सुबह से सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ना शुरू कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी सारे आर्टिकल्स ना आपको काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, तो ये बैड बैंक वाला जो आज का कवरेज है ये भी काफ़ी अच्छा है इंडियन एक्सप्रेस में। तो बैड बैंक का क्या कंसेप्ट है, कहाँ से आया, क्यों आया, अभी क्यों बात कर रहे हैं, सारी बातों को समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि ये मेंस में आ सकता है ना, मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी है ऐसे टॉपिक्स की। चलिए ठीक है, तो देखिए भाई क्या बात चल रही है ना। तो अभी हमें सबको पता है, हम काफ़ी बार क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि पिछले कई वर्षों में इंडिया में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं NPAs, है ना। अभी हम NPA वर्ड तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया भी है, बिल्कुल डिटेल में बताया था NPA क्या होता है, कैसे होता है। तो NPA जो है वो बढ़ रहा है ना, पिछले कई वर्षों से बढ़ रहा है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसे लोन जो बैंकों ने दिए पर वो लोन, मतलब उनकी किस्तें वापस नहीं आई और वहाँ से मतलब पैसे आने बंद हो गए। अब बैंकों को लग रहा है कि भैया कंपनी का काम वाम जो है, जिस कंपनी ने लोन लिया उसका काम वाम चल नहीं रहा है ना, उसका काम चल नहीं रहा, बैंक के पैसे वापस नहीं आ रहे, कंपनी की भी हालत ख़राब, बैंक की भी हालत ख़राब, क्योंकि बैंक ने जो पैसे दिए वो वापस नहीं आ रहे। तो इस तरह के लोन्स को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। NPAs पिछले कई वर्षों से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी जो ये कोविड का टाइम रहा है ना, तो कोविड की वजह से इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर्स जो है उन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। और आपको ध्यान होगा जब कोविड आया तो फिर बैंकों ने मोरिटोरियम भी लागू कर दिया था। मोरिटोरियम मतलब कुछ पीरियड के लिए आपको लोन की जो किस्तें हैं, जो आपका EMI वगैरह है, वो नहीं देना पड़ रहा था, है ना। कुछ पीरियड के लिए आपको लगभग 6 महीने के लिए मोरिटोरियम दे दिया गया था कि आप किस्तें नहीं दें तो कोई बात नहीं। तो कोविड की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, कुछ सेक्टर्स पर कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो जिन सेक्टर्स पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उन सेक्टर्स की जो कंपनीज ने लोन ले रखा था, उन लोन्स को अब NPA होने की चांसेस ज़्यादा है। तो इस कंटेक्स्ट में बात किया जा रहा है कि अब आने वाले समय में अगर NPAs ज़्यादा होने वाले हैं तो NPAs के रिजोल्यूशन के लिए कुछ तो किया जाए। तो ये चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही है एक BIC बनाने की, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी पैसा लगाए,
है ना, बैंकों में जितना भी रिकैपिटलाइजेशन करे उन सभी इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग कंपनी है ना, तो उस बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा इशू है वो बैड बैंक्स का है कि बोले भैया कि क्यों ना ऐसा करें कि एक बैड बैंक बना दें, इन लोन से डील करने के लिए एक स्पेशल बैंक बना दें। तो आखिर ये बैड बैंक है क्या, व्हाट इज दिस बैड बैंक, है ना। तो अभी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, इन्होंने कहा है कि मैं इस प्रपोजल को देखूंगा, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ अभी आई है। और बैड बैंक का जो कंसेप्ट है वो यूएस में एक बैंक है, मेलन बैंक, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले 1988 में बैड बैंक क्रिएट किया था, जिसके बाद ये कंसेप्ट जो है इम्प्लीमेंट होने लगा और काफ़ी सारे कंट्री जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी में ये कंसेप्ट आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है और कहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हुई। अब हमारा मुख्य क्वेश्चन कि व्हाट इज अ बैड बैंक, है ना, एक बैड बैंक आखिर होता क्या है। चलिए तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैड बैंक आखिर होता क्या है। आ जाओ, तो व्हाट इज अ बैड बैंक, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो बोले बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है दरअसल, है ना। बैड बैंक क्या है, दरअसल एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, है ना, या आप कह लीजिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप बोलेंगे सर एसेट रिकंस्ट्रक्शन या एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो वैसे भी होते हैं, तो फिर बैड बैंक अलग कैसे है, है ना, बैड बैंक अलग कैसे हुआ। ठीक, दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, मैनेजेस देम एंड फाइनली रिकवर्स द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से समझिएगा अब इसका क्या मतलब हुआ। लेट अस से एक बैंक है जिसका नाम है क्या, एक बैंक है जिसका नाम है सोनाली सिंह बैंक और एक बैंक है राजेश जादौन बैंक। ठीक है, एक बैंक है बीरू मिश्रा बैंक। ठीक है, तो एक है हमारा बीरू मिश्रा बैंक, एक है राजेश जादौन का बैंक और एक है कौन सा, सोनाली सिंह, है ना, सोनाली सिंह का बैंक। ये तीन बैंक है, है ना। इन तीनों बैंक्स ने लोन दिए, इन तीनों बैंक्स के लोन जो है वो खराब हो गए, बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गए, एनपीए में कन्वर्ट हो गए। अब इनकी बैलेंस शीट जो है खराब हो गई, है ना, इनकी बैलेंस शीट खराब हो रही है। तो इनमें, है ना, इन बैंकों में जो ट्रस्ट है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट खराब होगा। बोले यार इनकी बैलेंस शीट थोड़ी सही नहीं है, तो इन बैंकों को हमेशा चिंता रहेगी यार मेरी बैलेंस शीट। तो शुरुआत में तो ये लोग छुपाने की कोशिश करेंगे कि मेरे कुछ लोन डिफॉल्ट्स हुए हैं, है ना, ये लोग, क्योंकि बैंक का हेल्थ इज रिफ्लेक्टेड बाय बैंक ने कितना पैसा दिया, उसमें कितना रिटर्न मिला, कितना प्रॉफिट हुआ। लोन खराब हो रहे हैं, है ना, तो जनरली पहले बैंक क्या करेंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे। इंडिया में भी कर रहे थे, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे पहले इनिशियली, तो ये लोग छुपाने की कोशिश करेंगे। दूसरा रास्ता ये है, जब पता लग जाए, है ना, कि कुछ होने वाला नहीं है, तो ये बैंक क्या करें, ये बोलें कि भैया हमारा कुछ जुगाड़ कर दो। तो मैंने एक दूसरा बैंक खोल लिया, दुर्गेश नंदन बैंक, है ना, दुर्गेश नंदन बैंक, है ना, नाम गलत पड़ गया, वैसे नंदन बाबा बैंक मान लो आप। ठीक है, तो अब दुर्गेश नंदन बैंक ने क्या किया, मैं थोड़ा अलग टाइप का बैंक हूँ, ना मुझे ऐसे डिपॉजिट लेना है जैसे बैंक साधारण तौर पर डिपॉजिट लेते हैं, ना मुझे लोन देना है, ये सब काम नहीं करूँगा मैं। तो आप पूछोगे फिर क्या काम करोगे सर, फिर किस प्रकार के बैंक हो आप। मैं बोलूँगा भैया तुम्हारे पास जितने भी बैड लोन्स हैं ना, जितने भी बैड लोन्स हैं वो आप मुझे बेच दो। अब आप बोलोगे सर लोन कैसे बेच दें, लोन कैसे बेच दें। तो लेट अस सपोज कि बीरू मिश्रा बैंक ने, है ना, स्वास्तिक मिश्रा को, कोई और व्यक्ति होगा स्वास्तिक मिश्रा, बीरू मिश्रा बैंक ने स्वास्तिक मिश्रा को एक लोन दिया है 10 करोड़ रुपये का। कितने का, 10 करोड़ रुपये का। अब 10 करोड़ रुपीस इसके वापस आ नहीं रहे, इसको लग रहा है मेरा पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। तो मैं बीरू मिश्रा बैंक को बोलूँगा कि भाई ये लोन मुझे बेच दो, है ना, ये लोन मुझे बेच दो। मैं क्या होगा कि बीरू मिश्रा को तो वैसे तो पूरी उम्मीद खत्म हो गई कि पता नहीं 10 करोड़ में से कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो बीरू मिश्रा बैंक ने जो अमाउंट लोन का दिया है उससे कम भी उसको आए तो चलेगा, बोला यार कुछ तो कम से कम निकले, कहीं ऐसा नहीं पूरा पैसा ही निकल जाए। तो बीरू मिश्रा बैंक मेरे को बोलेगा कि भैया मैं ना इसको 9 करोड़ में बेच सकता हूँ, है ना, लोन मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा आपके नाम पे, वो लोन आपके बैंक का हो जाएगा। मतलब फिर अगर रिकवरी करनी है क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी, है ना, लोन जो है वो बीरू मिश्रा बैंक का नहीं होके नंदन बाबा बैंक का हो जाएगा। तो मैंने बोला 9 करोड़ नहीं दूंगा, तुम्हारे पैसे तो आ नहीं रहे, मैं 8 करोड़ दूंगा। बीरू मिश्रा बैंक बोला ठीक है सर, है ना, 8 करोड़ दो और ये लोन आपका, आपकी सरदर्दी, आप उससे 10 करोड़ निकाल लो तो भी ठीक है, आप 8 करोड़ निकालो तो भी ठीक है, 7 करोड़ निकालो तो भी ठीक है। तो बीरू मिश्रा बैंक जो है वो नंदन बाबा बैंक को ये लोन ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब अब मैंने, नंदन बाबा बैंक ने इनको 8 करोड़ रुपये दे दिए, अब बीरू मिश्रा बैंक का कोई लेना देना नहीं है, अब इनका डायरेक्ट लेना देना किससे है, मेरे साथ है, है ना।
अब इनका डायरेक्ट लेना देना किसके साथ है, मेरे साथ है। जो लोन इसने लिया, इससे लिया था, वो लोन यहाँ ट्रांसफर हो चुका है। तो बैड बैंक का यही कंसेप्ट है कि जितने भी खराब लोन्स हैं आपके पास, जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आप सब एक किसी प्राइस पर बेच दीजिए। वो कोई फिक्स प्राइस नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा। बैंक और जो आपका ये बैड बैंक है वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि किस प्राइस पर बेचेंगे, डिपेंडिंग अपन कि उसका रिस्क कैसा है, मतलब वहाँ से कितने पैसे आने की प्रोबेबिलिटी है, या बहुत ज़्यादा खराब लोन है मतलब कुछ आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, उसके बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होगा और ये खरीद लेंगे। इस बैंक का ना नॉर्मल पब्लिक से डिपॉजिट लेना है, ना नॉर्मल पब्लिक को लोन देना है। इसका काम ही यही है, सबसे ऐसे बैड लोन्स खरीदते रहे। और ये एक प्रोफेशनल बैंक होगा जो कि एक्सपर्ट होगा कि कैसे पैसे निकलवाने हैं, है ना, कैसे पैसे निकलवाने। तो ये क्या बोलेगा, हाँ भाई स्वास्तिक मिश्रा ऐसा करते हैं, तू लोन नहीं दे पा रहा, तुम्हारे ऊपर पहले 10% इंटरेस्ट लगा था, है ना, 10% इंटरेस्ट लगा था, बोला तेरा इंटरेस्ट मैं कम कर देता हूँ 10% के बदले, तू 10 छोड़, 7.5% दे देना, है ना। बोले तुम्हें 10 साल के लिए लोन दिया गया है, तू 10 छोड़, तू 15 साल में लोन दे, पर किस्तें अभी भरना शुरू कर दे, है ना। तो लोन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या बोला इसको, इस प्रोसेस को बोला लोन को रिकंस्ट्रक्ट करना, लोन को रिकंस्ट्रक्ट करना। तो लोन को रिकंस्ट्रक्ट किया और जितना हो सकता है मैक्सिमम पैसा निकाल लिया। मान लीजिए 10 करोड़ रुपए में से अगर इंटरेस्ट के साथ लेटेस्ट से 14 करोड़ रुपए निकलने थे एक पीरियड ऑफ टाइम पे, पर 11 करोड़ ही निकले तो भी ठीक है, 10 ही निकल गए तो भी ठीक है ना, 9 निकले तो भी ठीक है, कुछ तो निकले, मतलब जितना मैक्सिमम निकल सकता है निकल लेने दो। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही भुट हो जाए, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए, है ना, जितना निकल सकता है वो निकल जाए, मैक्सिमम जो भी इससे आ सकता है वो ले आया जाए, ठीक है, समझ गए, कंफर्टेबल। चलिए, अगर यहाँ तक की बात समझ गए तो यही कंसेप्ट है बैड बैंक का, कि वो बाकी के बैंक्सों का जो बैड लोन्स है वो खरीद ले, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो खरीद ले और फिर वो उसको बेच दे, है ना। द बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन लेंडिंग और टेकिंग डिपॉजिट बट हेल्प्स कॉमर्शियल बैंक्स टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स एंड रिजॉल्व बैड लोन्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। द टेक ओवर ऑफ बैड लोन्स इज नॉर्मली बिलो द बुक वैल्यू, जो बैड लोन्स खरीदेंगे वो बिलो द बुक वैल्यू होगा, बिलो द बुक वैल्यू मतलब अगर 10 करोड़ का लोन दिया था तो उससे कम का होगा, जाहिर सी बात है, 10 करोड़ का लोन दिया था तो 10 करोड़ में ही बैड बैंक क्यों खरीदेगा, उसको जब पता है कि भैया रिस्क है, पैसा वापस आए नहीं आए तो कितना आएगा, है ना। एंड द बैड बैंक ट्राइज टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल, है ना, जितना हो सके उतना निकाल लेते हैं बैड बैंक, ठीक है, ये आइडिया है यहाँ पर, समझ गए। अब इस आइडिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडिया में इस आइडिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वैसे तो मैंने आपको बताया 1988 में सबसे पहले US में ये कंसीव किया गया, ये शुरू किया गया, बट इंडिया में इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जब रघुराम राजन साहब हमारे गवर्नर थे, नाम तो आपने सुना ही होगा, याद ही होगा, थोड़े टाइम पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। तो रघुराम राजन साहब जब गवर्नर थे, है ना, उसी समय RBI ने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू, है ना, AQR, क्या एसेट क्वालिटी रिव्यू, एसेट क्वालिटी रिव्यू मतलब जिन जिन बैंकों ने जितने जितने लोन्स दे रखे हैं तो उनका क्वालिटी रिव्यू, कि भैया तुमने जो लोन्स दिया है उसके पैसे वापस आ रहे नहीं आ रहे, है ना, या टाइमली आ रहे नहीं आ रहे, अगर टाइमली नहीं आ रहे तो कितने खराब स्थिति है, 2-3 महीने डिफॉल्ट हुआ है, 6 महीने डिफॉल्ट हुआ है, साल भर डिफॉल्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं एसेट क्वालिटी, कि जो पैसे आपने दिए थे लोन में वो वापस आने के कितने चांसेस हैं। तो RBI ने रघुराम राजन साहब के टाइम पे ही शुरू किया था एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का, और RBI को पता लगा कि काफ़ी सारे बैंकों ने हिडन सप्रेस्ड बैड लोन्स हैं जो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाने से कतरा रहे हैं, सो दैट बैंक की जो वो हेल्दी इमेज है वो खराब ना हो। तो बैंकों के पास भर भर के भाई साहब ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला, है ना, लोन हुआ करता था, क्योंकि 2010 के आसपास का जो टाइम था उस समय इकोनॉमी बूम कर रही थी, तो एक्टिविटी जो बिजनेस एक्टिविटी खूब चल रहा था, बैंकों ने भी खूब लोन दे दिए। अब बैंकों ने लोन खूब तो दे दिए पर वो पैसे वापस नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, इस कमेटी ने देख लिया कि भैया ऐसी हालत है वो खराब है, बैंकों के पास बैड बैंक है, बैड लोन है, NPA है, पर वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये कंसेप्ट शुरू हुआ कि कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन सा हो या बैड बैंक सा हो, यहाँ से ये बात शुरू हुई। पर रघुराम राजन खुद जो थे वो इस बात के लिए फेवर में नहीं थे, इस बात के फेवर में नहीं थे कि बैड बैंक जैसा कुछ बने। रघुराम राजन साहब का कहना है, मतलब उनकी जो बुक आई थी उसमें रघुराम राजन साहब कहते हैं कि बैड लोन जो है ना, वो चाहे
एक बैंक के पास रहे या उस बैंक से लेकर आप उसको बैड बैंक के पास ट्रांसफर, बैड बैंक के पास ट्रांसफर कर दें। वो बैंक भी सरकारी था, जो दूसरे बैड बैंक के पास ट्रांसफर किया वो भी सरकारी है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गवर्नमेंट के एक पॉकेट से निकालकर बैड लोन को हमने गवर्नमेंट के दूसरे पॉकेट में रख दिया। क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर वही काम करना है तो जिस बैंक का लोन खराब हुआ है वो खुद ही कर ले। तो रघुराम राजन साहब वॉज नॉट इन फेवर ऑफ बैड बैंक्स, है ना, वो इसके फेवर में नहीं थे। पर बातचीत वहीं पर शुरू हुई। अभी रिसेंटली जो हमारा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, IBA, है ना, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, IBA ने मई में, है ना, मई के महीने में जब ये कोविड आ गया, पेंडेमिक आ गया, उस समय इन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया बैड बैंक के फॉर्मेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI को। अभी रिसेंट कंटेक्स्ट में बात कब से शुरू हुई? मई से शुरू हुई, ठीक है। 11.5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, है ना, जितना लोन हमने दिया है उसमें से लगभग 11.5% जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है ना। मतलब अगर 100 रुपया लोन दिया है तो उसमें से 11.5 रुपया जो है लौटने के चांसेस नहीं लग रहे, ठीक है। और आने वाले समय में कितना होने वाला है? 18.21% होने वाला है, ठीक है। 18.21% ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्वांटम, जितना लोन दिया उसका 18% जो है आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अभी एक कमेटी और बनी थी, सुनील मेहता कमेटी, है ना। तो सुनील मेहता कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था कि हाँ इस तरह का कुछ किया जा सकता है ना, इस डायरेक्शन में कुछ किया जा सकता है। सुनील मेहता कमेटी ने भी इसको, इस आइडिया को ग्रीन सिग्नल दिया था, ठीक है। चलिए, तो ARCs जो है दे, देखो एक है बैड बैंक, एक है ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो ARCs जो है वो अभी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। बैड बैंक एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ARCs आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। बट ARCs अभी जो एग्जिस्टिंग कर रही है ये प्राइवेट ARCs है, प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, पर अभी भी है। पर ARC के आने के बावजूद, है ना, बैंक के बैड लोन्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसीजरल इश्यूज हैं कि कैसे वो लोन रिकंस्ट्रक्शन करेगा, किस प्रकार से सर्विसिंग होगी। तो ARC के आने के बावजूद कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है, है ना। तो जो बैड बैंक का कंसेप्ट है ये कुछ तरीके से ARC से सिमिलर है, है ना। अंतर यहाँ पर ये रहेगा कि ये बैड बैंक की फंडिंग में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी, है ना। इस बैड बैंक के मालिकों में जो सरकारी बैंक है वो भी मालिक रहेंगे, वो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे और गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर रहेगी। गवर्नमेंट का शेयर होल्डर होना यहाँ पे जरूरी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब गवर्नमेंट रहेगी तो जो भी, है ना, को इन्वेस्टर रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोसेस को स्पीड अप करने में, प्रोसेस को क्लीन अप करने में आसानी होगी, है ना। सरकार खुद वहां पे प्रेजेंट रहेगी तो प्रोसेस को स्पीड अप करने में आसानी होगी। इस लॉजिक से कहा जा रहा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भले ही काम नहीं कर पाया हो पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ही जब गवर्नमेंट का प्रेजेंस आ जाएगा, बैड बैंक के रूप में आएगा ये, तो शायद थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो, है ना। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इनफैक्ट RBI का मैंने आपको बताया रघुराम राजन साहब इनिशियली इंटरेस्टेड नहीं थे, इवन द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज इनिशियली नॉट इंटरेस्टेड, बट अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपना रुख इस तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव वे में किया है और RBI भी अभी शक्तिकांत दास साहब जो है उन्होंने कहा है कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वे आउट क्या है यहाँ पर? वे आउट यह है कि जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में बनाया जाए, बैड बैंक बनाया जाए, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि उसका काम जो है वो लिमिटेड रहे, लिमिट द ऑब्जेक्टिव, है ना, इसके काम को हम लिमिट करें, बिल्कुल टारगेटेड करें, ठीक है। टू द ऑर्डरली रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स फॉलोड बाय अ ग्रेसफुल एग्जिट, इनको सिर्फ इतना सा काम दिया जाए कि जो स्ट्रेस्ड एसेट है, है ना, जो खराब हुआ वो लोन है उसका रिजोल्यूशन किया जाए, चाहे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से कीजिए या आप किसी और माध्यम से कीजिए, उन लोन्स को उसकी प्रॉपर्टीज को बेच के लोन रिकवर कीजिए, जो भी करना है आपको, है ना, उसका रिजोल्यूशन कीजिए और फिर एक ग्रेसफुल एग्जिट, मतलब उसको बंद करो और फिर फ्रेश, है ना। चलिए, तो ये इसका फोकस रहने वाला है ना, ये इसका फोकस रहने वाला है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ी समस्या होता है जब बैड लोन्स होती हैं तो कंपनी उस ट्रैप से निकल नहीं पाती, है ना। बैंक चाह नहीं रहा है कि भैया मेरी बैलेंस शीट खराब नहीं हो, कंपनी भी उस ट्रैप से नहीं निकल पा रही, तो वो वहीं पर फंसी रह जाती है। तो पहले 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में इसी बात को लिखा गया था, चक्रव्यूह चैलेंज, है ना, चक्रव्यूह चैलेंज। अब ये चक्रव्यूह चैलेंज क्या है? अब मैंने लोन लिया था, मान लीजिए, है ना, मैं लोन रीपे नहीं कर पा रहा टाइम से, ठीक है, और बैंक भी कुछ उपाय नहीं कर रही, ना बैंक मेरा लोन रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, मतलब
ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रही है, ना ड्यूरेशन बढ़ा रही है, ना बैंक कुछ उपाय कर रही है, ना मैं अपना बिजनेस चला पा रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब तक मैं यहाँ से फ्री नहीं हूँगा मैं कुछ दूसरा नया शुरू भी नहीं कर सकता, है ना। तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया एक काम को ख़त्म करो, अगर नहीं हो रहा है तो ख़त्म करो, है ना, कुछ नया बढ़िया सा स्टार्ट करो। तो मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, अभी ये जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम है, यहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे थे। इसी को इकोनॉमिक सर्वे ने बोला चक्रव्यूह चैलेंज। तो वही बोला जा रहा है कि जो बैड बैंक बनाए वो फटाफट से लोन का रिजोल्यूशन कराए, बैड लोन्स का, और एक ग्रेसफुल एग्जिट एंश्योर करवाए। ठीक है, जो प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, है ना, सुटेबल फॉर स्ट्रेस्ड सेक्टर्स वेयर द एसेट्स आर लाइकली टू हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू इन द शॉर्ट रन। क्या कहा जा रहा है कि प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कारगर साबित हो सकते हैं, पर्टिकुलरली वैसे सेक्टर्स के लिए, वैसे इंडस्ट्रीज के लिए जिनका लोन शॉर्ट टर्म में कुछ रिटर्न दे सकता है, शॉर्ट टर्म में जिनकी इकोनॉमिक वियबिलिटी हो सकती है, है ना। स्ट्रेट सेक्टर वेयर द एसेट्स आर लाइकली टू हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू इन द शॉर्ट रन, है ना, आने वाले टाइम में ही इकोनॉमिक वैल्यू हो, वहां पे प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट भी काम कर सकता है। आपको पता है प्राइवेट कंपनीज होंगी तो उनको लगेगा कि भैया जल्दी पैसा आए, है ना, जहां पे डिलेड लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान होगा वहां पे प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ ये बात, ये दरअसल ये जो दो तीन, ये तीनों इनफैक्ट, ये तीनों जो सजेशंस हैं, ये वायरल आचार्य नाम के एक रिजर्व बैंक के डायरेक्टर थे, है ना, रिजर्व बैंक के डायरेक्टर थे वायरल आचार्य, उनके, है ना, ये सजेशंस हैं दरअसल, है ना। तो नेशनल एसेट मैनेजमेंट, है ना, कंपनी बनाई जाए विच वुड बी नेसेसरी फॉर सेक्टर्स वेयर द प्रॉब्लम इज ऑफ इकोनॉमिक अनवियबल सेक्टर इन द शॉर्ट रन, है ना। शॉर्ट से मीडियम टर्म में अगर जो सेक्टर लग रहा है कि यहाँ से कुछ पैसे नहीं आने वाले, है ना, रिजोल्यूशन की पहल शुरू कर दें फिर भी, तो उनके लिए नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाए, जहाँ से शॉर्ट रन में पैसा आ रहा है उनके लिए प्राइवेट सेक्टर बढ़िया है, वो आराम से निपट लेगा। ठीक है, समझ के बात, कंफर्टेबल अप टू हियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, चलिए, बहुत प्यार से समझा दिया। चलिए जी, आगे चला जाए फिर, आगे आइए, आगे आ जाइए। चलो जी, अगला अपडेट है हमारा टास्क फोर्स ऑन मैरिज एज सबमिट्स रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर, है ना, टास्क फोर्स ऑन मैरिज एज, शादी के लिए क्या सही उम्र होनी चाहिए, इस पर एक टास्क फोर्स बना था, है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में भी कह दिया था, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने बजट स्पीच में भी कहा था कि टास्क फोर्स बनेगा, टास्क फोर्स बनाया गया था। इस टास्क फोर्स का गठन जून में हुआ था, जुलाई एंड में ही 31 जुलाई को इसको अपना रिपोर्ट देना था, रिपोर्ट जुलाई में देना था, रिपोर्ट अभी आ रही, इंडिया में कोई सा रिपोर्ट टाइम पे आया क्या आज तक, है ना। तो इस कमेटी की अध्यक्ष किस, कौन थी, इस कमेटी की अध्यक्ष थी जया जेटली जी, है ना, आप सभी लोग शायद परिचित होंगे जया जेटली जी से, है ना, समता पार्टी पहले हुआ करती थी उसकी मेंबर थी वो, पॉपुलर फेस हैं जया जेटली। तो इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सबमिट कर दिया है। द टास्क फोर्स सेटअप टू टेक, ये टॉपिक कौन सा है हमारा, सोशल इशूज, है ना, टॉपिक कौन सा हमारा, सोशल इशूज, ठीक है, सोशल इशूज का टॉपिक हमारा। द टास्क फोर्स सेटअप टू टेक अ री लुक एट द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, इसने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, चेयरपर्सन जया जेटली जी थी, उन्होंने बोला है कि इस रिपोर्ट में क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि भैया कॉन्क्रीट सजेशंस दिए गए, अब कॉन्क्रीट सजेशंस में क्या है भगवान जाने। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने बजट में बात की थी, यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था ये आपको समझना जरूरी है, इस कमेटी को क्या काम दिया गया था, है ना। जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है, कोई कमीशन बनाया जाता है, तो उसको कुछ काम दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, है ना। तो गवर्नमेंट क्या काम देती है, वो है हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है सर, मैरिज की कितनी रिपोर्ट आएगी, जितनी आप चाहें, है ना, आपकी भी शादी की उम्र हो रही है ना, इसीलिए। चलिए, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दिए जा रहे हैं यहाँ पे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू द टास्क फोर्स आर एज फॉलोज। पहला, फर्स्ट, टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटेड टू इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड अदर इश्यूज, है ना। तो देखिए, मैरिजेबल एज की बात क्यों हो रही है, मैरिजेबल एज की बात क्यों हो रही है, शादी होगी, शादी के बाद फिर फैमिली स्टार्ट करेंगे, है ना, मतलब बच्चे वगैरह होंगे। तो एक्चुअली समझना ये चाह रहे हैं, मैरिजेबल एज पर डिस्कशन इसलिए चल रहा है कि व्हाट इज द एज विल विच विल बी सुटेबल
फॉर अ वुमन टू कंसीव चाइल्ड, है ना, वो क्या उपयुक्त एज होगा जब वुमेन एक चाइल्ड को कंसीव कर सके, वुमेन एक चाइल्ड को बर्थ दे सके, सो दैट वुमेन भी हेल्दी रहे, है ना, वुमेन हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए और जो बच्चा हो, जो चाइल्ड हो, वो भी हेल्दी रहे। तो ये रीजन है दरअसल मैरिजेबल एज पर ये पूरी की पूरी जो चर्चा चल रही है ना। रीजन समझ लीजिए कि शादी होगी फिर फैमिली होगी, है ना, तो क्या वो एज हो जिसमें कि वुमेन भी बिल्कुल अच्छे से चाइल्ड कंसीव कर सके, डिलीवर कर सके, वुमेन भी हेल्दी रहे और जो बच्चा डिलीवर हुआ है, जो द बर्थ दैट हैज द चाइल्ड दैट हैज टेकन बर्थ, वो भी बिल्कुल हेल्दी रहे, हष्ट पुष्ट रहे, है ना। तो इसीलिए मैरिजेबल एज पर चर्चा चल रही, क्योंकि मैरिजेबल एज का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है, मैटरनल हेल्थ से है, चाइल्ड की हेल्थ से है। चाइल्ड की बचपन में जैसी हेल्थ रहेगी वैसा ही आगे चलकर, है ना, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो इसीलिए इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, है ना, चाइल्ड और मदर के हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबको देखेगा ये, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कोई नवजात जन्म लेते ही अगर खत्म हो जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जब माँ की मृत्यु हो जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब अपने रिप्रोडक्टिव एज में कोई वुमेन कितने बच्चे प्रोड्यूस करेगी, तो अभी ये 2.1 चल रहा है। अब आप बोलेंगे सर 2.1 बच्चे कैसे करेगी, एवरेज है ना भाई, एग्रीगेट, तो अभी TFR कितना है, 2.1 के आसपास है। जो सेक्स रेशियो एट बर्थ वो कैसा है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये सारे आस्पेक्ट को देखेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है समझ गए आप। चलिए दूसरा, एक टर्म ऑफ रेफरेंस ये दिया गया पहला, दूसरा क्या ध्यान से देखना और दोनों में क्या रिलेशन है ये समझना। टू सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रोमोटिंग हायर एजुकेशन अमंग वुमेन, है ना, सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रोमोटिंग हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन। अब आप सोच रहे होंगे सर हायर एजुकेशन का और इनका क्या रिश्ता नाता है। भैया सिंपल सी बात है, अगर किसी बच्ची को पढ़ाया नहीं जा रहा, किसी बच्ची को नहीं पढ़ाया जाए, स्कूल नहीं भेजा गया, कॉलेज नहीं भेजा गया, या स्कूल भेजा गया 6वीं 7वीं तक, उसके बाद हो गया खत्म काम, है ना, तो फिर घर वाले तुरंत सोचेंगे शादी करवा देते हैं। आप में से कितने सारे बच्चे होंगे जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर तैयारी करेंगे, तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है या बच्ची पढ़ रही होती है ना, तब पेरेंट्स को इतनी जल्दी नहीं होती शादी करवा देते हैं। आप पेरेंट्स को पता है आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, है ना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS की आप, तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, अभी ग्रेजुएशन हुई है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, 2 साल मेरे बच्चे को तैयारी करने, तो क्या टेंशन है, है ना। तो हायर एजुकेशन होगा तो शादी अपने आप जो है थोड़ा डिले हो जाएगी, वो अर्ली एज में शादी नहीं करेंगे। हाँ भाई 18 साल की, अच्छा कल 18 साल की पहुंच रही है, 18 तारीख को 18 साल की हो रही, तो 19 तारीख को शादी करवा दो भाई साहब, है ना। वैसे कानून के लिए इंडिया में इतना कोई सोचता नहीं है, तो 18 की बाद में पहुंचेगी, जब मन तब करवा दो, है ना। चलिए तो दूसरा काम ये, तीसरा क्या, टू सजेस्ट सुटेबल लेजिस्लेशन एंड अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग लॉज एंड ऑल्सो चॉक आउट अ डिटेल्ड रोल आउट ऑफ प्लान विथ टाइम लाइन्स टू इम्प्लीमेंट दीज रिकमेंडेशन, है ना। सजेस्ट सुटेबल लेजिस्लेशन एंड अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग लॉ, बोले इसको देखिए इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस करने हैं या कोई नए कानून लाने हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि वो कानून कैसे लाएंगे, डिटेल्ड प्लान बताइए कैसे रोल आउट करना है, मतलब कंप्लीट काम देख करके दीजिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा आप बता दिए हाँ ऐसा करना है, जो भी करना है उसके लिए पॉलिसी में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग नियम कानून जो है उनमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, एग्जैक्ट बताइए हमें, कंप्लीट सॉल्यूशन दीजिए। ये काम दिया गया जय जेटली जी की कमेटी को, है ना। अब बात ये उठती है कि ये मिनिमम एज की जरूरत क्या है, है ना, मिनिमम एज की जरूरत क्या है। तो लॉ जो है वो प्रेस्क्राइब करता है मिनिमम एज ऑफ मैरिज एसेंशियली टू आउटलॉ चाइल्ड मैरिजेस, है ना, चाइल्ड मैरिजेस ना हो देश में इसीलिए, और प्रिवेंट अब्यूज ऑफ माइनर्स, है ना, माइनर्स का अब्यूज ना हो, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मैरिज के लिए कुछ मिनिमम एज है, है ना। अब चाइल्ड मैरिज से क्या समस्या है सर, वही हेल्थ इश्यूज, है ना, आपको अभी अभी समझाया मैंने, ठीक है, 12 साल में शादी हो जाएगी, फिर पता चला 13-14 साल के टाइम पे फिर, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड मिनिमम एज होना चाहिए, उसके लिए लॉ बनाया गया है हमारे यहाँ, ठीक है। जो पर्सनल लॉज हैं अलग अलग रिलीजन के दैट डील विथ मैरिज हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफन रिफ्लेक्टिंग कस्टम, है ना, जो पर्सनल लॉज हैं जैसे हिंदू के पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हिंदूज का सेक्शन 5(3) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेट्स 18 ईयर्स एज द एज फॉर ब्राइड एंड 21 ईयर्स फॉर द मिनिमम एज फॉर ग्रूम, है ना। हिंदूज के अंदर क्या है कि 21 साल का लड़का होगा, 18 साल की लड़की होगी। हाउएवर चाइल्ड मैरिज आर नॉट इलीगल इवन दो दे कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द माइनर
इन द कोर्ट, है ना। चाइल्ड मैरिज इलीगल नहीं है, अगर रिक्वेस्ट किया जाता है, कंप्लेन आती है, तो फिर उसको बाद में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस्लाम की माने, होता हमारे हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हमारा जो इस्लाम धर्म है उसकी देखें, तो जो मैरिज ऑफ अ माइनर है ना, हु हैज अटेंड प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड, है ना। जिसने प्यूबर्टी अटेन कर लिया, है ना, और प्यूबर्टी अटेन करने का एज क्या होता है बताइए, मुझे चैट में बताइए व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। जिसने भी प्यूबर्टी अटेन कर लिया, प्यूबर्टी मतलब व्हेन द सेक्सुअल हार्मोन स्टार्ट्स ग्रोइंग, है ना, तो उस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी अटेन कर लिया तो फिर शादी वैलिड है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो SMA है, जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज की बात करता है, स्पेशल मैरिज एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को अगर देखें, तो दे ऑल्सो प्रेस्क्राइब 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स एज द मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज एंड वेमेन फॉर मैन वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली, है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट और जो हमारा कौन सा एक्ट है, चाइल्ड मैरिज, है ना, एक्ट 2006 का, इसके अकॉर्डिंग भी एज क्या है, 18 वर्ष और कितना 21 वर्ष का एज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिशनली जो सेक्शुअल इंटरकोर्स है विथ अ माइनर, है ना, ध्यान से देखिएगा, सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ अ माइनर इज रेप। अब देखो लॉ में कैसा कॉन्ट्रावेंशन है, इस्लामिक लॉ में क्या आया कि भैया प्यूबर्टी अटेन कर लिया तो मैरिज हो सकती है, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ माइनर इज रेप, है ना, एंड द कंसेंट ऑफ अ माइनर इज रिगार्डेड एज इनवैलिड। आप ये नहीं कह सकते कि भैया 16 ईयर्स की एज है, आप बोलेंगे कि भैया मैंने इससे कंसेंट ले लिया है, है ना, आई एम हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर द कंसेंट, माइनर का कंसेंट इज कंसिडर्ड इनवैलिड। हालांकि इस पर भी अभी चर्चा चल रही है, एक डिबेट इस पर भी है कि क्या इस एज को कम कर देना चाहिए, है ना, तो एक अलग डिबेट उधर भी चल रहा है, बट अभी जो लॉज हमारे पास हैं उसमें माइनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कंसिडर्ड एज रेप इवन इफ इट इज विथ कंसेंट, है ना, तो इनवैलिड माना जाएगा, सिंस शी इज डीम्ड टू बी इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट एट दैट एज। अगर 18 साल से कम की लड़की है तो उसको माना जाता है कि शी इज इनकैपेबल अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, है ना, ऑफ गिविंग अ कंसेंट, तो उसका कंसेंट फिर मायने नहीं रखता, ठीक है। चलिए, तो ये जो लॉ है मैरिज के मिनिमम, मैरिज के लिए मिनिमम एज से रिलेटेड जो लॉ है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कब से शुरू हुआ ये लॉ, ब्रिटिश टाइम से है, बाद से है, तो दरअसल इसकी शुरुआत हो गई 1860 से ही, है ना। 1860 में जब इंडियन पीनल कोड बनाया गया, तो इंडियन पीनल कोड में ही सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, विथ अ गर्ल बिलो एज ऑफ 10 वॉज क्रिमिनलाइज, है ना, आईपीसी में, आईपीसी 1860 में जब बनाया गया मैकॉले के रिपोर्ट के अनुसार, तो आईपीसी में 10 वर्ष से कम की बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या बताया कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया फॉर एज ऑफ कंसेंट, है ना, फॉर मैरिज इंडिया इन ओनली बिगिन 1880s, है ना, एक बिल्कुल प्रॉपर लीगल प्रोसेस जो है वो 1880s में शुरुआत हुआ। प्रोविजन ऑफ रेप वॉज अमेंडेड इन 1927 थ्रू एज ऑफ कंसेंट बिल 1927, एज ऑफ कंसेंट बिल 1927। तो सबसे पहले जब एज ऑफ कंसेंट बिल आया, तो ध्यान रखिएगा ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात नहीं है, ये पहले की ही बात है, ठीक है। तो दैट इज इन द कॉलोनियल एरा इटसेल्फ, तो कॉलोनियल पीरियड में ही प्री इंडिपेंडेंसी ये बिल आ गया 1927 में, विच डिक्लेयर्ड दैट मैरिज विथ अ गर्ल अंडर 12, है ना, मैरिज विथ अ गर्ल अंडर 12 विल बी इनवैलिड, ठीक है। तो 27 में क्या बात हुई कि 12 साल से कम, पहले क्या बात थी 10 साल, है ना, वहां पे हालांकि मैरिज की बात नहीं हो रही थी, वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात हो रही थी सिर्फ, यहाँ पे 12 साल से कम की बात हुई, ठीक है, मैरिज के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही। 1929 में चाइल्ड मैरिज रीस्टेन एक्ट आ गया, ठीक है, और उसने 16 ईयर्स और 18 ईयर्स मिनिमम एज रख दिए गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, गर्ल के लिए 16, बॉय के लिए 18, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली इसको अमेंड किया गया 1978 में पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना, और यहाँ पे फिर बोल दिया गया 18 और 21 साल जो है वो रिस्पेक्टिवली एज होना चाहिए, है ना, 18 री छोरी 18 रो छोरो तभी बांधो ब्यारी डोरी, है ना, राजस्थान में कहते हैं, मैंने आपको 2-3 बार बताया हुआ है ये। तो अब लॉ को रीलुक करने की क्या जरूरत है, है ना, अगर इतने टाइम से इवॉल्व होके हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं 18 और 21 वाले पे, तो अब लॉ को रीलुक करने की क्या जरूरत है, ये बात समझिए, ठीक है। अब लॉ को रीलुक करने की क्या जरूरत है, तो देखिए सबसे पहले तो जो अर्ली प्रेगनेंसी का रिस्क है, है ना, अर्ली प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो रिस्क है हम उनको कम कर देना चाहते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से
चाइल्ड मोर्टैलिटी जो है वो उसके दर जो है, चाइल्ड मोर्टैलिटी के रेट्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इससे हेल्थ पर भी इफेक्ट होता है मदर की, है ना। तो वुमेन के भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चे की भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, और मतलब एक तो चाइल्ड मोर्टैलिटी हो सकता है, इन्फेंट मोर्टैलिटी हो सकता है, और इवन इफ द चाइल्ड इज अलाइव, है ना, इवन इफ द चाइल्ड रिमेंस अलाइव, तो हो सकता है उसकी इम्यूनिटी जो है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो वैसी डेवलप ना हो जैसी किसी नॉर्मल केस में होती, ठीक है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि इसको रीलुक किया जाए। दूसरी बात कि चाइल्ड मैरिजेस को डिटर करने के लिए, है ना, क्योंकि देखो लॉज तो हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं, लॉज मैंडेटिंग मिनिमम एज एंड क्रिमिनलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ माइनर, चाइल्ड मैरिजेस आर वेरी प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री, एस्टिमेटेड एट 4.1 मिलियन इन 2017 की अगर रिपोर्ट को देखें तो 4.1 मिलियन मतलब लगभग 40 लाख, है ना, 40 लाख शादियां बाल विवाह 2017 में हुई सिर्फ एक साल में, है ना। तो लॉ के होने के बावजूद चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, है ना। हालांकि गारंटी ये भी नहीं है कि हम मैरिजेबल एज बढ़ा देंगे तो नहीं होगी, हो सकता है इन्फेंट ज़्यादा होने लगे, है ना, हो सकता है इन्फेंट ज़्यादा होने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो आस्पेक्ट यहाँ पे है जिसके बारे में राइट ग्रुप्स बात कर रहे हैं, वैसे राइट ग्रुप्स यहाँ पे डिवाइडेड हैं, कुछ राइट ग्रुप्स का कहना है, कुछ वीमेन राइट्स ग्रुप का जो महिला अधिकारों के लिए जो ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि भैया ये गलत बात है, जितना एज है मैरिजेबल एज वही सही है। कुछ राइट ग्रुप्स का कहना है कि भैया जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल मतलब बोलो मतलब भेदभाव का ये कर रहे हो, लड़का क्या 21 में शादी करेगा तो लड़की 18 में शादी क्यों करेगी, लड़का के लिए अगर एज 21 वर्ष है तो लड़की के लिए 18 क्यों होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए किसी भी लॉ में। किसी भी लॉ में जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब है कि लॉ शुड ट्रीट बोथ मेन एंड वुमेन एट पार विथ ईच अदर, है ना। तो बोला जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मेकिंग द एज इक्वल टू दैट ऑफ मेन इज इन द स्पिरिट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, है ना। बोले राइट टू इक्वालिटी की बात कीजिए सर, ये भेदभाव मत कीजिए मैरिजेबल एज में, है ना। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लिव विथ डिग्निटी, है ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। वेयर वायोलेटेड बाय हैविंग डिफरेंट लीगल एजेस, है ना, अगर अलग अलग लीगल एजेस हैं, इसका मतलब ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लिव विद डिग्निटी का ग्रॉस वायोलेशन है कि सर अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप हमारे साथ, ठीक है। मामला समझ में आ गया पूरा, मक्खन, बिल्कुल मक्खन। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, इससे पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाया बैड बैंक्स वाला, तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ये मस्ट है सर, बैड बैंक वाला टॉपिक आप जरूर देख लें, है ना, बैड बैंक वाला टॉपिक जरूर देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, है ना, 75% प्रोबेबिलिटी है कि ये मेंस में आपसे पूछा जाएगा बैड बैंक पे क्वेश्चन, 75% प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया, जब क्लास खत्म हो जाए, है ना, अभी चिंता ना करो, अभी अटेंड करते रहो, अभी तो और टॉपिक्स हैं, पर जब क्लास खत्म हो जाए तो बैड बैंक वाला पोर्शन जरूर देख लीजिएगा। चलिए, और वो जैसे समझाया वैसा कोई समझा भी नहीं सकता आपको। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक ये कुछ खास इस पर विश्लेषण नहीं है, बस एक अपडेट है। आपको पता है किसानों ने बोला कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे 26 जनवरी को, तो ट्रैक्टर रैली करने के लिए इन लोगों ने बोला कि हम करेंगे, और मतलब तैयारी वैयारी कर ली, है ना, ड्रिल विल भी कर रहे हैं ये लोग, है ना, तो दैट इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, बोला बोबड़े साहब, गवर्नमेंट ने बोला क्या, बोबड़े साहब ने बोला क्या, तो गवर्नमेंट ने बोला बोबड़े साहब ये लोग ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, आप जरा मना करो ना। बोबड़े साहब ने बोला अरे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग हमको। गवर्नमेंट ने बोला भैया कहना क्या चाहते हो, वेणु, है ना, वेणु जी, के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने बोला चाहते क्या है कहना गुरु जी आप, तो बोबड़े साहब कहते हैं कि भैया गलत समझ लिए, हम इंटरफेयर थोड़ी कर रहे हैं तुम्हारे मामलों में। बोले आप क्या मान रहे हैं कि हम हर बात में इंटरफेयर करेंगे, बोले हम ऐसे नहीं हैं, है ना, बोले ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, पुलिस खुद डिसाइड करे क्या करना है नहीं करना है, गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, बोले लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कौन शहर में एंटर करेगा कौन नहीं करेगा, किसको रोकना है किसको आने देना है, सब आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, है ना। हु शुड बी अलाउड एंट्री एंड ऑन वॉट कंडीशंस, है ना, किसको एंट्री अलाउड है और किन कंडीशंस पर अलाउड है, है ना, एंड ऑल डिटरमाइंड बाय द पुलिस, आर ऑल डिटरमाइंड बाय द पुलिस, वी कैन नॉट बी द अथॉरिटी टू डिसाइड इट। चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि ये डिसाइड करने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, किसके पास नहीं है, जुडिशरी के पास नहीं है, तो द ओनस लाइज ऑन द एग्जीक्यूटिव, है ना। द CGI सेड देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द दिल्ली पुलिस, है ना, टू इन्वोक ऑल इट्स पावर, बोले अभी भी केंद्र सरकार के पास,
कोट अनकोट है ये, है ना, कोट अनकोट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सारे पावर्स हैं और अभी समय भी है, वो अपने सारे पावर इन्वोक कर सकता है। ठीक है, बोले लॉ एंड ऑर्डर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर देखना। गवर्नमेंट शुड नॉट आस्क द कोर्ट टू डिसाइड ऑन इश्यूज कंसर्निंग लॉ एंड ऑर्डर, द सुप्रीम कोर्ट सेड, है ना। तो यहां पर बात क्या आ रही है सर, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू, ये बात किस चीज से रिलेटेड है सर, ये बात है सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता, है ना, अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट कुछ देता, कुछ कहता, कोई डिसीजन देता, तो वो क्या हो जाता, जुडिशियल ओवररीच हो जाता, है ना, वो जुडिशियल ओवररीच हो जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम अपने डोमेन में रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का काम आपका है। वैसे सामान्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी भी स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट में आता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब राज्य की सरकार उसको देखेगी। पर मुद्दे की बात क्या है कि दिल्ली जो है वो कंप्लीट स्टेट है नहीं, दिल्ली को स्टेटहुड मिला हुआ नहीं है, ये तो यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेचर, है ना, दिस इज अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर एंड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट दिस डज नॉट एंजॉय द स्टेटस ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली में, लॉ एंड ऑर्डर जो है दैट इज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, है ना। तीन चीजें, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस, है ना, ये तीन चीजें जो है दिल्ली में वो किसके अंडर नहीं है, वो दिल्ली की गवर्नमेंट के अंदर, जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके अंडर नहीं आती, है ना। तो इन पर लॉ बनाने का या इन पर डिसीजन लेने का अधिकार किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का है, बिकॉज दिस इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना, दिस इज नॉट द स्टेट ऑफ दिल्ली, दिस इज द एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना। तो जो एनसीटी है, एनसीटी में सारे पावर्स किसके हैं, एनसीटी में सारे पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, होम मिनिस्ट्री के हैं, एचएम के हैं, ठीक है, होम डिपार्टमेंट के। दिल्ली पुलिस जो है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, दिल्ली पुलिस जो है वो डायरेक्टली यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो बोला आप डिसाइड कर लीजिए हमारे पास मामले को लेकर कहे आ रहे हैं, फिर हम कुछ बोलेंगे तो आप कल को बोलेंगे कि जुडिशियल ओवररीच कर दिया। ठीक है, समझ गए बात। चलिए अगला अपडेट है यहां पर, छोटा सा अपडेट ये भी, इसके बाद बड़े न्यूज भी हैं काफी सारे, पर पहले छोटे अपडेट्स देख लीजिए। कोवैक्सीन नॉट टू बी यूज्ड इन केसेस ऑफ एलर्जी, फीवर और पुअर इम्यूनिटी, है ना। भारत बायोटेक जो कि मैन्युफैक्चरर है किसका, कोवैक्सीन का, उसने अभी क्या जारी किया है, कुछ कॉशन जारी किए, कुछ निर्देश जारी किए अपने वेबसाइट पर। बोला ऐसे लोग जिनके पास जिनको एलर्जी है, जिनको फीवर है या जिनकी इम्यूनिटी खराब है, है ना, ऐसे लोग, और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हैं, है ना, जो प्रेग्नेंट है मतलब जो गर्भ से महिलाएं हैं, या जो लैक्टेटिंग है मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, वैसी महिलाएं, या जिनके पास सीरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, है ना, जिनको सीरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, वो इस वैक्सीन को ना लगवाएं, ये वैक्सीन उनके लिए उचित नहीं है। अब बोला भैया सीरियस हेल्थ इश्यूज का मतलब क्या है, किस इशू को आप सीरियस मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो जो बोला कि वैक्सीनेटर है ना, वैक्सीनेटर के द्वारा वहां पर क्या है, सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी बीमारी जो है वो सीवियर है, यानी किस बीमारी के केस में वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना। मतलब भाई साहब, अब जो लगभग 3 लाख वैक्सीन लग चुके हैं, कल एक दिन में 1.48 लाख वैक्सीन लगे हैं, है ना, तो 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन लग चुके हैं, और अब इस तरह के अप्रिहेंशन आ रहे हैं कि जिनके पास जिनको एलर्जी है उनको नहीं लगाना है, जिनको फीवर है उनको नहीं लगाना है, जो प्रेग्नेंट है उनको नहीं लगाना है, जो लैक्टेटिंग है उनको नहीं लगाना है, सीवियर इलनेस है, और सीवियर इलनेस में एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, है ना। तो इसकी वजह से जो कोवैक्सीन पे कंट्रोवर्सी है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है अभी आने वाले दिनों में, है ना। वैसे ही कोई कम नहीं है, बट द कंट्रोवर्सी इज गोइंग अगेन, है ना, इट इज़ गोइंग टू राइज अगेन। आपको पता है 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, है ना, 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो कोवैक्सीन पर अभी चलेगी कुछ दिन तक, ठीक है। There is a remote chance that Covaxin could cause severe allergic reaction in including difficulty in breathing, swelling of face, throat, है ना। क्या कह रहे हैं कि बोलो कुछ ऐसे भी chances है कि rare cases में ऐसा भी हो सकता है vaccine लगाने के बाद कि allergy develop हो जाए, allergic reaction हो जाए, है ना, breathing में difficulty हो, तो vaccine लगाने के बाद ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए समझ गए यहाँ तक की बात को, छोटा सा update था but important update है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी आ जाइए, यूनियन टेरिटरी क्या होता है सर, यूनियन टेरिटरी वो होता है जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में होता है ना,
विच इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता, है ना, वहाँ वो इंडिया का तो पार्ट है, इंडियन यूनियन का पार्ट है, पर फेडरेशन का हिस्सा नहीं है ना। जो यूनियन ऑफ इंडिया टर्म यूज करते हैं उसमें वो आएगा, हमारे इंडिया का टेरिटरी है वो, है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो टर्म यूज करेंगे उसमें आता है वो। तो माइग्रेटरी बर्ड्स इन हरिके, है ना, तो हरिके एक वेटलैंड है, हरिके इज अ वेटलैंड, कहाँ, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, बिल्कुल पंजाब में, अमृतसर से आप लाहौर की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल बॉर्डर के पास, है ना, बिल्कुल बॉर्डर के पास जो है ये वेटलैंड है, हरिके वेटलैंड, मतलब ऐसा ही बॉर्डर है कि मतलब एक बार एकदम अच्छे से सांस भर लो आप, है ना, एक बार खूब अच्छे से सांस भर लो, आप एथलीट होने चाहिए, आप पता चला आप मेरे जैसे ही हैं कि दिन भर बस ऑफिस में कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तब नहीं, है ना, आप थोड़ा एथलीट टेम्परामेंट वाले हों, एक बार में अच्छे से सांस भर लो और लगाओ दौड़ जबरदस्त, है ना, लगाओ दौड़ जबरदस्त तो सीधा बॉर्डर के उस पार पहुंच जाओगे, है ना, तो बिल्कुल बॉर्डर पे लोकेटेड है, है ना, बिल्कुल बॉर्डर पे लोकेटेड है क्या, माइग्रेटरी बर्ड्स का जहां आना होता है वो क्या, हरिके वेटलैंड, ठीक है। तो हरिके वेटलैंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड है, है ना, नॉर्दर्न इंडिया का, जो अपना एरिया किसके साथ शेयर करता है, तरन तारण, फिरोजपुर और कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, है ना, तीन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, कौन कौन सा, तरन तारण, फिरोजपुर और कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो यहाँ पर पास में ही एक गुरुद्वारा भी है, वेरी फेमस गुरुद्वारा, मैंने पहले आपको बताया भी है, फटाफट से चैट में मुझे बताइए कौन सा गुरुद्वारा है यहाँ पे, है ना, वैसे नाम का हिंट आपको यहीं पे मिल जाएगा, कौन सा गुरुद्वारा उसका हिंट यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1952, क्यों आया, जब यहाँ पर बना एक बराज, है ना, तो दरअसल ये जो हरिके है यहाँ पर सतलज रिवर से ब्यास रिवर आकर मिलती है, है ना, सतलज से ब्यास आकर मिलती है, ठीक है, तो उल्टा बना दिया, मतलब रिवर तो इस तरफ फ्लो हो रहा है, सॉरी, है ना, सतलज और ब्यास यहाँ पर, सतलज और ब्यास का संगम है, तो सतलज और ब्यास के संगम पे एक बराज बनाया गया, तो उसी बराज से, बराज बनाया तो वहाँ पानी डिपॉजिट होगा ना बॉस, है ना, तो उसी बराज से ये वेटलैंड बना, ठीक है। जो ग्रैंड इंदिरा गांधी कनाल है जो कि राजस्थान को वाटर सप्लाई करता है, वो इसी वेटलैंड से फीड होता है, मतलब इसी वेटलैंड का पानी उस इंदिरा गांधी कनाल में जाता है। इंदिरा गांधी कनाल जो है वो नॉर्दर्न राजस्थान वाले रीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न राजस्थान जहाँ कुछ दशकों पहले कुछ भी नहीं होता था, आज अगर आप नॉर्दर्न राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह को देखें तो वो इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज बन गए, चावल की खेती होती है सर, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है चावल, है ना, तो चावल की खेती होती है वहाँ पे गंगानगर एरिया वगैरह में, जो नॉर्थ राजस्थान का एरिया है। तो इंदिरा गांधी कैनाल का वाटर जो है वो यहीं से जाता है। हरिके वेटलैंड के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई, बॉर्डर के पास लोकेटेड है, है ना, ब्यास और सतलज के कन्फ्लुएंस पर है, मैन मेड है, ठीक है, बराज बनाया गया तब वाटर डिपॉजिट हुआ, और इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो यहीं से निकलती है, इंदिरा गांधी कैनाल में यहीं का पानी है, ठीक है बॉस, समझ गए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ गुरुद्वारा कौन सा है यहाँ पे। जो ये वेटलैंड है, दिस वॉज अकॉर्डेड वेटलैंड स्टेटस इन 1990 बाय रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, दिस इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, तो दिस इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये स्टेटस, ये दर्जा किसने दिया, ये दर्जा दिया इसको रामसर कन्वेंशन ने, है ना, तो दिस स्टेटस वॉज गिवन बाय रामसर कन्वेंशन। तो आप पूछेंगे सर रामसर कन्वेंशन क्या है, तो रामसर कन्वेंशन इकलौता इस प्रकार का कंजर्वेशन, इकलौता इस प्रकार का कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जो कि वेटलैंड्स में डील करता है, है ना, वेटलैंड से डील करने वाला, वाटर रिसोर्सेज से डील करने वाला, अपने आप में एक प्रकार का यूनिक कन्वेंशन है ना, वाटर रिसोर्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना, अब बात करते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, जो वेटलैंड है दैट इज अ सिग्निफिकेंट अबोड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में दिस इज द प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में, है ना, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा आते हैं एवरी विंटर खासकर, है ना, बर्ड्स मेक देयर वे टू इंडिया थ्रू द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे विच कवर्स लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ यूरोप एशिया बिटवीन द आर्कटिक एंड द इंडियन ओशंस, है ना, तो मोस्टली ये बर्ड्स कहाँ से आ रहे होते हैं, नॉर्दर्न रीजन से आ रहे होते हैं, आर्कटिक वाले रीजन से या साइबेरिया से, है ना, उन रीजन से ये बर्ड आ रहे होते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पे बहुत हार्श विंटर की वजह से वहाँ से माइग्रेट करते हैं। तो इनका माइग्रेशन का रीजन क्या है, हार्श टेम्परेचर, है ना, हार्श टेम्परेचर,
हार्श टेम्परेचर की वजह से वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और माइग्रेट करते समय रास्ते में इंडिया में आते हैं, ठीक है। बर्ड्स जैसे कि यूरेशियन कूट है ना, ग्रेलैग गूज, बार हेडेड गूज है ना, गढ़वाल एंड नॉर्दर्न शोल्वर आर प्रोमिनेंट वंस दैट कुड बी साइटेड एट हरिके वेटलैंड। इन बर्ड्स को कॉमनली हरिके वेटलैंड पे देखा जा सकता है। अगर मैं हरिके वेटलैंड के फौना की बात करूँ, फौना मतलब एनिमल्स है ना, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब फूल मतलब प्लांट कम्युनिटी, फौना मतलब एनिमल कम्युनिटी। फौना की अगर बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे एंडेंजर्ड एक्वेटिक मैमेलियंस आपको दिखेंगे, ठीक है, और काफ़ी सारे रेप्टाइल फौना भी आपको दिखेंगे, जैसे कि इंडस रिवर डॉल्फिन है ना, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इंडस रिवर डॉल्फिन। यहाँ पे आपको स्मूथ कोटेड है ना ऑटर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने एक दिन आपको होमवर्क दिया था, ऑटर सेंचुरी कहाँ पे बन रहा है ना, सदर्न इंडिया में, जब मैं आपको कृष्णा रिवर पढ़ा रहा था, याद आया? पता नहीं आप में से कितने लोगों ने किया होमवर्क, जो देता हूँ प्लीज़ कर लिया करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ना, वो आपके लिए यूज़फुल होगा, अपना कोई टेंशन नहीं है भाई, है ना। अभी जो आपकी एज है ना सर, अभी आप जिस स्टेज में है, जिस एज में है, इस टाइम को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेंगे, बाद की टाइम जो है वो ज़िंदगी में थोड़ा स्मूथ बीतेगी, है ना। अभी के टाइम को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे, रोएंगे आप, रोएंगे, है ना। ये टाइम जिसने वेस्ट किया ना, वो ज़िंदगी में रोया है। ये टाइम है अपने आप को एम्पावर करने का, ये टाइम है अपने आप को बिल्डअप करने का, है ना। एंड इफ़ यू वेस्ट दिस पर्टिकुलर टाइम, विथ ऑल माई सिंसियरिटी, विथ ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डू से कि बंदा रोएगा भाई साहब, बंदा बंदी जो भी वो रोएगा, कुछ नहीं होना, है ना। आप लड़की हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ ये हो सकता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आप पर, शादी कर दी जाएगी, है ना। पर आप सोचिए, अगर इफ़ यू आर रियली एम्बिशियस, यू वॉन्टेड टू बी अ सिविल सर्वेंट, आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते थे, आप UPPCS, UPSC, RAS कुछ क्लियर करना चाहते थे, आप शादी करेंगी, आप फिर सिर्फ उसी चीज़ में बंद कर रह जाएंगे। देखो शादी सबको करनी है ना, बट दैट शुड नॉट बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि शादी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ, कि बस यही करना है। और अगर वही नहीं करना, इफ़ यू आर एम्बिशियस, तो फिर एम्बिशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है सर, एम्बिशन के लिए मेहनत करनी पड़ती। कोई भी एम्बिशन बस सोचने से नहीं आ जाता, डे ड्रीमिंग करोगे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, है ना, डे ड्रीमिंग करोगे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंसिस्टेंट एफर्ट्स होने चाहिए। जिस प्रकार से आज लगा रहे हैं, उसी प्रकार से कल लगाएंगे, उसी प्रकार से परसों लगाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज हल्का लगाया तो कल भी हल्का लगाएंगे, आज हल्का लगाया तो आज को पहले सही करने की कोशिश करेंगे, है ना, आज को सही करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं सर, दो चार दिन बिल्कुल एकदम संदीप महेश्वरी का वो देख लिए स्पीच, अब सर ज़बरदस्त पढ़ेंगे सर, है ना, और आज दुर्गेश सर ने बोला पढ़ने के लिए, जो ठीक है, अच्छा सर की क्लास है क्या, अच्छा शाम को दे, अच्छा सेल्फ स्टडी करना था कि लक्ष्मीकांत की जगह, अच्छा ठीक है अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, अच्छा कल पक्का। इफ़ यू आर हैविंग दिस एटीट्यूड, दिस एग्जामिनेशन इज नॉट मेंट फॉर यू, ट्रस्ट मी गाइस, इफ़ यू आर हैविंग दिस एटीट्यूड, दिस एग्जामिनेशन इज नॉट मेंट फॉर यू, है ना। आप जितना ज़्यादा इस प्रोसेस मतलब अपनी स्टडीज़ को, अपने टारगेट्स को डिले करेंगे, उतना दूर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो उस एग्जामिनेशन से पास आने की कोशिश कीजिए, नज़दीकियाँ बढ़ाइए एग्जामिनेशन के साथ। एग्जाम के साथ नज़दीकियाँ बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एग्जाम के साथ नज़दीकियाँ बनाने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एग्जाम के साथ नज़दीकियाँ बनाने के लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी इंटरलिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप एग्ज़ाम के नज़दीक नहीं आ जाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ऐसे ही एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला। कंसर्न ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ सर्टेन स्पीशीज विजिटिंग द वेटलैंड हैज़ बीन फॉलिंग, है ना, जो नंबर ऑफ स्पीशीज जितनी प्रजातियां यहाँ आ रही हैं वो कम हो रही हैं। इनके की रीजंस क्या बताए जा रहे हैं, व्हाट आर द की फैक्टर्स, तो बोले कि ड्रॉप आर इंक्रीज्ड ह्यूमन इंटरफेरेंस इन देयर ब्रीडिंग रीजंस, जो जहाँ से आते हैं ब्रीडिंग रीजन जो है वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस का बढ़ना, ह्यूमन एक्टिविटी का बढ़ना, ऑयल एक्सप्लोरेशन है ना आर्कटिक में चल रहा है ना, ऑयल एक्सप्लोरेशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फार्म्स, है ना, इंडिया में जो फार्म्स हैं उनमें पेस्टिसाइड का यूज़ भी इनको डिटर करता है ना, पेस्टिसाइड्स की वजह से इनके हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं तो उसकी वजह से नहीं आते। क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न, राइजिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये कंसर्न्स हैं इनके, ठीक है। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं, देखो अपना देश, है ना, देखो अपना देश। तो दरअसल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है
हाँ देखो अपना देश किसने लिया, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लिया होगा। इन्होंने एक क्या करवाया, वेबिनार करवाया एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट सर्किट बाय ट्रेन, है ना, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया एक इंटरेस्टिंग वेबिनार टाइटल एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट सर्किट बाय ट्रेन एज अ पार्ट ऑफ देखो देश वेबिनार सीरीज। तो पूरा का पूरी एक सीरीज चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उसी सीरीज के पार्ट के रूप में, उसी सीरीज के हिस्से के रूप में इन्होंने ये शुरू किया है। तो जो देखो अपना देश इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव अभी 2020 में जनवरी महीने ये शुरू किया गया था, और जनवरी महीने से शुरू करने के बाद मार्च से आ गया लॉकडाउन, तो इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा पुश मिल गया। अब लोग घर में बैठे थे भाई क्या करना, तो इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ने थोड़ा ज़्यादा पुश किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म, है ना, डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। कोविड से मौका मिल गया कि लोग घर में भी बैठे हैं, लोगों को जागरूक करने का मौका है, बाहर जाने से वैसे भी रिस्क है, यूरोप वगैरह में खूब ज़्यादा माहौल खराब था, तो एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गया गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, कि एक माहौल बना सके। हालांकि देखो विदेश तो जाना लोगों का शुरू हो ही गया, जा ही सकते हैं, बट एक माहौल की बात है। अभी आज आप किसी को कहो कि घूमने के लिए स्पेन जाओगे इटली जाओगे, वो बोलेगा नहीं यार इंडिया में ही घूम लेते हैं, है ना, पैसे खूब है जेब में, पर बोलेगा नहीं यार इंडिया में ही घूम लेते हैं, अगर घूमना है भी तो या तो नहीं जाऊंगा, या जाऊंगा तो इंडिया में ही जाऊंगा, इटली और स्पेन नहीं जाऊंगा। तो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने का ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया मौका है, विच इज इंटेंडेड टू एनहांस टूरिस्ट फुटफॉल्स इन प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट सो एज टू हेल्प डेवलप द लोकल इकोनॉमी, है ना। टूरिज्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी का, और खासकर इंडिया जैसे जगहों में जहाँ पे अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है। जब इकोनॉमी डेवलपिंग होता है, जब लोगों का इनकम जो है वो बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो ऐसे टाइम में टूरिज्म पर लोग अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, है ना, टूरिज्म पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं। अभी कोविड के बाद लोग स्पिरिचुअल जो पिलग्रिमेज वगैरह होता है उस पर भी खर्चा ज़्यादा करेंगे, है ना, तो उस पर भी खर्चा ज़्यादा करेंगे, भगवान को शुक्रिया अदा करने जाएंगे। तो इस पूरे सेक्टर को टैप किया जा सकता है। वैसे तो मतलब पिलग्रिम से रिलेटेड जो हमारा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कभी मेज़र नहीं करते, बट अगर मेज़र कर देंगे तो वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है ना, हमारे इकोनॉमी में अगर कभी मेज़र करना शुरू किया गवर्नमेंट ने तो वो भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन जाएगा। मतलब कितने सारे लोग जैसे अमृतसर जाते हैं गोल्डन टेंपल, है ना, कितने सारे लोग नांदेड़ साहब जाते हैं, है ना, वहाँ का भी गुरुद्वारा फेमस है, पटना साहिब जाते हैं, कुछ लोग अजमेर शरीफ जाएंगे, कुछ लोग वैष्णो देवी जाएंगे, कुछ लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, वाराणसी काशी विश्वनाथ जाएंगे, है ना, प्रयागराज जाएंगे, कुंभ मेला लगेगा उसमें जाएंगे, है ना, तो इतने सारे टेंपल्स हैं हमारे यहाँ, द्वारका जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, इतने सारे टेंपल्स हैं, फेमस श्राइन्स हैं, इस्लाम में भी हैं, है ना, हमारे हिंदुइज्म में भी है, इतने सारे श्राइन्स हैं, बोधगया है, सिख हैं, है ना, इतने इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अगर आप पूरी इनके अराउंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, मतलब द ट्रेन ट्रैवल दैट पीपल टेक, है ना, ट्रेन से आना जाना या फ्लाइट से आना जाना, वहाँ के जो लोकल इकोनॉमी में जो होटल्स हैं, जो वहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, कुछ लोग फूल बेच रहे हैं, कुछ माला बेच रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉप्स हैं, गिफ्ट सोवेनियर के शॉप्स हैं, अगर इस पूरे को आप पूरे का आकलन करोगे ना तो बहुत बड़ी इकोनॉमी ये भी है। पर इसको कभी मतलब फॉर्मली हमने कैलकुलेट नहीं किया, नहीं तो हमारे टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, इंडिया में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये इसी सेक्टर ने टैप कर रखा है। तो इस सेक्टर को भी अगर ग्रो किया जाए तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। ओवरऑल टूरिज्म में तो खैर है ही, क्योंकि अभी लोग बाहर जाने से भी बचेंगे, और वैसे भी इंडिया में जो सबसे अच्छी बात है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है तो हमारे यहाँ माउंटेन्स भी है, हमारे यहाँ रिवर्स भी है, हमारे यहाँ ओशन भी है, मतलब व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, कि भैया डेजर्ट भी है, राजस्थान का डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं, गोवा के बीचेस भी हैं, महाबलीपुरम के आपको कल्चर और बीचेस दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, है ना, मैनग्रोव डेल्टा आपका, सुंदरबन डेल्टा भी है, तो एक बहुत वैरिड, एक बहुत डाइवर्स, केरला के बैकवाटर्स भी हैं। तो सीजन के अनुसार आप चूज कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है। तो इंडिया में टूरिज्म का पोटेंशियल जो है वो ज़बरदस्त है। और ये हो गई सप्लाई साइड की बात, तो सप्लाई साइड जो इन्वेंट्री है टूरिज्म का वो ज़बरदस्त है, और डिमांड अभी बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने के दो कारण, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहे लोगों की, है ना, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन में घूमने का क्रेज़ है, और दूसरा फैक्टर ये है कि कोविड की वजह से बाहर जाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तो एक बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद इंडस्ट्री एंड ऑडियंसेस इज ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार्स ऑन द थीम ऑफ देखो इंडिया, देखो अपना देश, है ना। तो पहले वेबिनार में देखेंगे, गवर्नमेंट का आप ऑब्जेक्टिव समझिए, पहले वेबिनार में देखेंगे अच्छा लगेगा, फिर आपस में बात करेंगे।
बेबी देखो ना कितना अच्छा है ना, हमें चलना चाहिए ना, वो मजबूरी में बोलेगा हाँ चलना चाहिए, है ना, बस हो गया फाइनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा। ठीक है, बच्चा होगा वो बोलेगा पापा पापा मुझे यहाँ जाना है ना। अब बच्चे की और बीवी की बात तुम ना मानो ऐसा हो सकता है, बच्चा बार बार परेशान करते रहेगा, बीवी बार बार ताने मारती रहेगी, तो बात तो मानना पड़ेगा सर, है ना। देखो अपना देश वेबिनार, इससे मुझे कुछ याद आ गया, कल मैं आपका PDF अपलोड नहीं कर पाया था, आज कर दूंगा, है ना। कल एक्चुअली मैं कहीं गया हुआ था, और जहां गया वहां क्या हुआ, तो आप, मैं लेट हो जाता हूं कई बार क्लास में, आपने देखा ये, तो कल मैं रिलेट कर पा रहा था वहां पे। तो कहीं गया मैं कल, तो फ्रेंड के घर था, कुछ काम से ही गया था, फिर कुछ काम वाम हो गया हमारा, तो फिर बात हुई अब लंच की, तो अब मेरे फ्रेंड की वाइफ थी, तो लंच वंच किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था, सब अपने काम से हम लोग गए हुए थे कहीं बाहर, तो बात हुई कि ऐसा करते हैं, मैंने बोला यार चलो बाहर खा लेते हैं, है ना। तो उसकी वाइफ ने बोला 2 मिनट दो, तुरंत रेडी होके चलते हैं, 2 मिनट दो, है ना। तो मैंने बोला अरे यार लंच करने जाना है आसपास, कोई ऐसा मैंने शौकिया थोड़ी जा रहे हैं, बस यहाँ कुछ घर पे अरेंज करो, इससे अच्छा पास में जाके लंच कर लेंगे। बोला बस कोई मेकअप नहीं करूँगी, 2 मिनट में रेडी हो जाएंगी, नो मेकअप, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है 2 मिनट, तो घड़ी में 5 मिनट हो गए। मैंने अपने फ्रेंड से बोला यार 5 मिनट हो गए, भाभी ने बोला 2 मिनट, भाभी तो कह रही थी नो मेकअप। तो कहा भैया मेरे तुम समझते नहीं हो। मैं क्या बोले, भैया नो मेकअप का मतलब है काजल, मस्कारा, है ना, और दो तीन चीज़ें गिना दी। बोले नो मेकअप का ये मतलब होता है ना, नो मेकअप मतलब लिटरली नो मेकअप नहीं, नो मेकअप मतलब ऐसा मेकअप जो ज़्यादा पता ना लगे, मेकअप उसमें भी होता है। मैं ओ भाई साहब गजब। बोले काजल मस्कारा फाउंडेशन उसमें भी लगता है, थोड़ा कम लगता है और थोड़ा नेचुरल टाइप का लगेगा, है ना, लिपस्टिक जो है वो थोड़ी लाइट कलर की लगे। मैं गजब भाई साहब मैं बढ़िया है। तो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, है ना, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, टूरिज्म के जो अलग अलग डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनको प्रमोट करना, इंक्लूडिंग लेसर नोन डेस्टिनेशन एंड लेसर नोन फीसेट्स ऑफ पॉपुलर डेस्टिनेशन, है ना। तो जो डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उनको प्रमोट करना, या जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पे कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि उसी शहर में, उस शहर में आप घूमने गए पर कुछ लोकेशंस ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, इनको पॉपुलर कराना मेन इनिशिएटिव है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल। फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं 20 मिनट लगे थे उनको तैयार होने में, फिर वो बोली हो गया ना, ज़्यादा लेट तो नहीं हुई दुर्गेश। मैं नहीं यार, कहाँ भाभी आप कहाँ लेट होते हो। बोले नहीं मतलब मैं ना बिल्कुल टाइम से तैयार हो जाती हूँ, मेकअप मेरे को बिल्कुल नहीं करना होता, आई डो नॉट लाइक मच मेकअप, है ना, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, तो अभी तो बस इसलिए मैं फटाक से 2 मिनट में तैयार हो गई। मैं घड़ी देख रहा हूँ भाई साहब 20-25 मिनट तो जरूर हो गए होंगे, 2 मिनट। चलिए, लैंड अंडर PLA कंट्रोल सिंस 1959, है ना। PLA जो कि कहाँ की सेना है, पाकिस्तान की सेना है, है ना। तो PLA के अंडर अरुणाचल का एक हिस्सा कब से है, 1959 से है। तो ये बात अभी NDTV के एक रिपोर्ट में आया, कल सोशल मीडिया पे भी घूम रहा था, आपने देखा होगा एक फ़ोटो आई है ना, उस फोटो में बताया गया कि ये सैटेलाइट इमेज है और अरुणाचल के गाँव की फ़ोटो है, है ना, कि अरुणाचल में चाइना जो है वो अपना परमानेंट एक गाँव, परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पर डेवलप कर रहा है। परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक गाँव में होता है कि टेम्प्ररी कुछ सेटलमेंट्स, तो पहले दरअसल टेम्प्ररी सेटलमेंट था चाइना का यहाँ पर, अब यहाँ पर चाइना जो है वो परमानेंट गांव बसा रहा है, कहाँ पर, हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है ना, इनसाइड आवर अरुणाचल प्रदेश, मतलब जिस एरिया को हम अपने मैप में दिखाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, है ना, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये कि ये सैटेलाइट इमेजिनरीज वायरल हुई हैं, पहले NDTV ने दिखाया कि यहाँ पर इस तरह का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, है ना, बहुत मजे ले रहे हैं सर, अरे क्यों ना ले भाई मनाही थोड़ी है, मनाही थोड़ी है। चलिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बाय चाइना इन द पास्ट सेवरल इयर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने क्या बोला कि वी आर अवेयर ऑफ दिस, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को एक्नोलेज किया है कि हाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लिसन दिस वेरी केयरफुली, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्नोलेज किया है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना के द्वारा बिल्ड किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये फर्स्ट टाइम तो है पर
क्या बोला गया कि ये 1959 से एग्जिस्ट कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ये अभी डेवलप हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने अभी डेवलप किए हैं, ये जो है 1959 से डेवलप हो रहा है। पहले यहाँ पर चाइना ने टेम्पररी है ना शेल्टर्स या टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखे थे, अब जो है परमानेंट बना रहे हैं यहाँ पर, ये फ़र्क है। ठीक है, तो बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कमिटेड है, हम भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो हैविंग कंस्ट्रक्शन देयर, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कमिटेड है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए, तो हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे, तो बस इतनी सी बात है। LAC जो है आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से अलग है ना। चलिए, तो उधर आपका पाकिस्तान के साथ क्या शेयर है, पाकिस्तान के साथ LOC है ना, पाकिस्तान के साथ, और चाइना के साथ क्या है, LAC है। ठीक है, चाइना के साथ टोटल इंडिया को पूरा जितना बॉर्डर है इसमें तीन सेक्टर्स हैं मेनली, है ना, इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है पूरा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख है ना, और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, इस पूरे बॉर्डर को हम तीन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इस पूरे बॉर्डर को हम कितने सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, तीन सेगमेंट्स में, है ना। जो सबसे ऊपर वाला है वो है वेस्टर्न सेगमेंट, फिर आपका मिड सेगमेंट, फिर बीच में नेपाल वगैरह आ जाता है, फिर यहाँ पे है आपका ईस्टर्न सेगमेंट, है ना। तो जो वेस्टर्न सेगमेंट है, जहाँ पे आपका पेंगोंग लेक है, गलवान वैली है, लद्दाख वाला रीजन है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड सेक्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब सेक्टर है। सेकंड डिस्टर्ब सेक्टर जो है वो ये है, सिक्किम और अरुणाचल वाला एरिया, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। जो मिडिल सेक्टर है वो रिलेटिवली पीसफुल रहता है, मतलब रिलेटिवली, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टेंशन फ्री है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा स्टेबल एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये सेकंड डिस्टर्ब है, यहाँ पर थोड़े टाइम, यहाँ पर अभी क्राइसिस चल रहा था, यहाँ पर 2-3 साल पहले है ना क्राइसिस चल रहा था, डोकलम इशू है ना, तो यहाँ पर भी क्राइसिस रहता है, यहाँ पर भी क्राइसिस रहता है, ये मिडिल वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा शांत है। इसी पोर्शन में जो अरुणाचल प्रदेश है ईस्टर्न सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक चाइनीज़ का प्रेजेंस है, यहाँ पे भी इंडिया जो अपना मैप दिखाता है ना, मतलब हम जो अपना मैप दिखाते हैं ये वाला, ऐसा वाला, तो इस मैप में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, लगभग लगभग इतना सारा रीजन जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, है ना, अक्साई चीन जिसको आप बोलते हैं, अक्साई चीन। ठीक है, यहाँ पे है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन वो इंडिया के पास है, सियाचिन के साउथ में नुब्रा है ना, नुब्रा वैली, नुब्रा एक रिवर भी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा वैली, यहाँ पे नुब्रा रिवर भी है जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा वैली के इस तरफ है ना, सियाचिन के इस तरफ यहाँ पे ये टेरिटरी जो है ये भी चाइना की ही टेरिटरी है, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, क्योंकि ये वाला रीजन जो है, ये कौन सा रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है हमारा, ये रीजन है हमारा ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित एंड बल्तिस्तान, और नीचे आपका इधर जो रीजन है ये है आपका POK। ठीक है, तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन हो गया, ये चाइना ऑक्यूपाइड रीजन हो गया, तो चाइना का ऑक्यूपाइड रीजन यहाँ भी है, और चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी है, और ये 1950s के एंड से है, आपको पता है 1962 में वॉर हुआ था, तो उसी समय से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो गलवान वैली पे हमने अभी रिसेंटली, मतलब थोड़े टाइम पहले काफ़ी डिस्कशन किया है, पेंगोंग लेक जो है वो, यहाँ पे जो थिएटर्स हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिएटर्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थिएटर है आपका, थिएटर मतलब जहाँ पे झगड़ा झंझट चलता रहता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट अभी रिसेंट टाइम में जो न्यूज़ में है वो गलवान, ठीक है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट थिएटर है वहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे लंबे समय से चल रहा है पेंगोंग लेक, हाँ पेंगोंग लेक, ठीक है पेंगोंग लेक, तो पेंगोंग लेक, गलवान, और इधर यहाँ पे जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था वो था डोकलम। ठीक है, वैसे डोकलम जो है वो भूटानीज टेरिटरी है, भूटान है ना। यहाँ पे जो एरिया और न्यूज़ में रहता है वो नाथुला पास है ना, नाथुला पास, और यहाँ पे जो एरिया न्यूज़ में रहता है वो है आपका चुंबी वैली। चुंबी वैली जो है वो ट्राई जंक्शन है, चाइना में पड़ता है, ठीक है, चाइना में पड़ने वाला ट्राई जंक्शन है। ठीक है, तो ये इधर न्यूज़ में रहता है, वो उधर न्यूज़ में रहता है, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। अक्साई चीन तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी, कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बारे में भी कुछ अपडेट है। यहाँ पर क्या अपडेट है, व्हाट इज़ द अपडेट, ये देख लीजिए। इंडिया जो है वो 20 लाख वैक्सीन ढाका को देने वाला है,
और पाकिस्तान ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है कि भैया मुझे भी इंडिया से थोड़ा वैक्सीन मिल जाए, तो पाकिस्तान की बात तो छोड़ो, है ना, क्या बात करनी उसकी, अभी कुछ कॉन्क्रीट है नहीं न्यूज़ में, नहीं तो बात तो कर लेते हैं, हम तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इंडिया जो है वो 20 लाख वैक्सीन ढाका को भेजने वाला है आने वाले ही दिनों में, वेडनेसडे यानी कि कल, है ना। 20 लाख डोजेस किस वैक्सीन का, भारत बायोटेक का, कोई नहीं लेगा भाई साहब, भारत बायोटेक वाले में कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा है। तो जो एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन कैंडिडेट है, जिसको इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया कोविडशील्ड के नाम से, है ना, कोविडशील्ड जिसको किसने डेवलप किया है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने, है ना, पूनावाला की आधार पूनावाला की कंपनी ने, है ना, ये ओरिजिनली डेवलप्ड किसके द्वारा, एस्ट्राजेनेका, है ना। एस्ट्राजेनेका जो है वो एक यूरोपियन कंपनी है, ब्रिटिश स्वीडन ओरिजिन का कंपनी है। तो इस वैक्सीन का जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसी को क्या करना है, उसी को हमें बांग्लादेश भेजना है। तो एक अपडेट यह है बांग्लादेश से रिलेटेड, एक अपडेट और है बांग्लादेश से रिलेटेड, है ना, फिर रफाल भी बताना है आपको, एक मिनट रुक जाओ। तो थोड़ा बांग्लादेश से रिलेटेड दूसरा अपडेट भी देख लेते हैं, फिर आपको बांग्लादेश वाला पूरा इशू बता देते हैं, उसके बाद रफाल पे आएंगे। बांग्लादेश से रिलेटेड एक और अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस में आया है, है ना, जो न्यूज़पेपर कटिंग्स जितनी लगाई हैं एक छोड़कर बाकी सारे द हिंदू के हैं। एक न्यूज़पेपर कटिंग अभी जो दिखाई आपको लास्ट में वो इंडियन एक्सप्रेस का था, और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग वाला भी इंडियन एक्सप्रेस का है, है ना। तो क्रॉस बॉर्डर कैटल स्मगलिंग, आपको अगर याद हो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया भी था, है ना, और इवन मैंने बताया था तो चैट में एक दो बच्चों ने लिखा भी था कि सर आप जो बता रहे हैं कि इलीगल माइग्रेशन जो लोगों का होता है इंडिया बांग्लादेश से, तो आप तो कह रहे हैं कि कई बार BSF ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसा होता है क्या, है ना। तो कई सारे बच्चों ने इस पर क्वेश्चन भी रेज किया था। अभी क्या हुआ कि बंगाल में कैटल की स्मगलिंग जो चलती है उसको लेकर CBI की जांच हो रही है। CBI की जांच में क्या बातें सामने आई है, इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है वो देखिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, है ना। CBI क्रैकडाउन ऑन क्रॉस बॉर्डर काओ स्मगलिंग, है ना, कैटल स्मगलिंग में मेनली मुख्यतः किस चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, काओ की। वैसे ईद के आसपास ऊँट की भी स्मगलिंग होती है, ऊँट की, है ना, कैमल, राइट। तो काओ की स्मगलिंग इन वेस्ट बंगाल हैज थ्रोन स्पॉटलाइट नॉट ओनली ऑन द नेक्सस Among BSF officials, है ना, BSF के एक्स कमांडेंट को क्वेश्चन किया जा रहा है इस मामले में, ठीक है, कस्टम्स ऑफिशियल एंड रैकेटियर्स, बट ऑल्सो ऑन द पॉलिटिकल लीडर्स बिसाइड द बंगाल पुलिस पर्सनल, है ना। तो यहाँ पे सभी लोगों का नेक्सस है ऐसा कहा जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो, मतलब अभी बताते हैं पूरी कहानी आपको समझाते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं, इन लोगों का कमीशन भी फिक्स होता है, इंक्लूडिंग कस्टम्स का और BSF का, सबका कमीशन फिक्स होता है यहाँ पर, है ना, 500 रुपये 2000 रुपये ऐसे करके कमीशन जो है यहाँ पर फिक्स होता है। 500 रुपये किसका, कस्टम्स का, 2000 रुपये किसका, BSF का, यहाँ पे कमीशन फिक्स होता है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, है ना, मैं नहीं बोल रहा, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा है। तो पहले मैप देख लो आप, ये देखो बांग्लादेश है, है ना, इधर आपका इंडिया है, यहाँ इंडिया है आपका, ये बांग्लादेश का जो ये हिस्सा है, ये सॉरी ये इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, ये है आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना। यहाँ से आप देखेंगे गंगा रिवर एंटर करती है, या इस जगह से फरक्का के पास से गंगा रिवर जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक ये, है ना, ये इधर और एक आपका इधर, है ना, हुगली रिवर बनकर साउथ की तरफ चली जाती है। जो ये वाला रिवर है, है ना, ये वाला रिवर है, और यहाँ पे ही इस तरफ है, यहाँ पे बहुत नैरो सा बॉर्डर है, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल ऊपर से यहाँ नीचे तक है, पर यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एरिया बहुत नैरो सा हो जाता है, यहाँ पे इस तरफ आपके झारखंड है। तो इस वाले रीजन से नदी के जरिए और बाकी रीजन से भी होता है, पर इस वाले जो नदी के आसपास का है, क्योंकि देखो नदी के आसपास जो वायर्स होते हैं, फेंसेज होते हैं, उनको लगाना आसान नहीं होता, पहली बात, ठीक है, और तो वहाँ पे साइड से भी निकाल देते हैं अगर नेक्सस है, और नहीं तो पानी में डुबो के भी निकाल देते हैं, है ना, कि पानी में डाल दिया और उधर फिर वो लोग निकाल लेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त स्मगलिंग होती है यहाँ पे। तो इसके बारे में अभी CBI जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, बंगाल में दरअसल इलेक्शन का टाइम है तो जांच तो उस वजह से शुरू हुआ, है ना, पर जब जांच शुरू हुआ तो फिर पता चला कि BSF के भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, है ना, ऐसा अभी आ रहा है प्राइम ऑफिशियल रिपोर्ट्स में। तो यहाँ से इलीगल जो है कैटल ट्रेड हो रहा है, पर सिर्फ यहाँ से नहीं हो रहा, बाकी के रीजन से भी हो रहा है। यहाँ ये जो पॉइंट है नदी के पास वाला पॉइंट, ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर रूट है स्मगलिंग का, ठीक है, तो इस जगह पर स्मगलिंग हो रही है, ठीक, यहाँ तक की बात समझ गए। अब वापस आते हैं यहाँ पे, देखो बोला हर साल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल, है ना, संख्या देख लो, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल आर एस्टिमेटेड टू बी स्मगल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश थ्रू, जो हमारा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है लगभग 2200 किलोमीटर का,
बोले ईच कैटल हेड इज प्राइज एट 80,000 to 90,000, है ना। बोले यूपी हरियाणा के जो मजबूत वाले जबरदस्त वाले ब्रीड आते हैं, जो गाय आती हैं, उनका प्राइस यहाँ पे 80,000 से 90,000 का होता है, और जो इधर बंगाल के आसपास के जो स्मॉल है ना छोटे ब्रीड्स वाले गाय वगैरह होती हैं उनका प्राइस 40,000 से 50,000 के आसपास होता है। और ये धड़ल्ले से खूब जबरदस्त तरीके से ये ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। ये प्राइसेस जो है ईद के टाइम पे डबल हो जाती हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि कैटल ट्रेड किस वजह से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। द प्राइसेस शूट अप ड्यूरिंग ईद व्हेन देयर इज हाई डिमांड फॉर पैकेज्ड मीट, है ना, एक्सपोर्टेड बाय बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर सिर्फ इंटरनल डिमांड नहीं है, बांग्लादेश जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है पैकेज्ड मीट को, और जिस पैकेज्ड मीट को वो एक्सपोर्ट करता है उस पैकेज्ड मीट के लिए कैटल्स कहाँ से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, है ना। और बहुत ज़बरदस्त धड़ल्ले से ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री काम कर रहा है। ऐसे समय में द कैटल्स, है ना, इस जब डिमांड हाई होता है तो द कैटल फिच ट्वाइस द प्राइस एट विच दे आर प्रोक्योर्ड इन इंडिया, है ना। मतलब भारत में हरियाणा में खरीदा, पता चला कितने में, 50,000 में, है ना, 50,000 में वैसे मिलती नहीं गाय, 70,000 में हरियाणा में खरीदा तो वहाँ पता चला 1,40,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब का बिजनेस रहता है यहाँ पे। रीजन आपने देख लिया, एरिया आपने देख लिया। दरअसल होता क्या है, और अभी जो केस आया वो क्या केस है, बोले एक बार क्या हुआ, मैंने अभी जिस पर्टिकुलर केस की जांच चल रही है कि एक बार सीज किए गए एनिमल्स, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, है ना, आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, बाकी चीज़ें तो आप अपने आप रिलेट कर लेंगे। हो क्या रहा है कि एक बार सीज किए गए थे एनिमल्स, है ना, बीएसएफ ने पकड़े थे। तो अब जो सीबीआई जांच चल रही है उसमें दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। बोला एक तो एनिमल सीज किए गए, पर सिर्फ एनिमल सीज किए गए, जिन गाड़ियों में एनिमल्स को ले जाया जा रहा था कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से, उनको भी सीज करना चाहिए था, उनको सीज नहीं किया गया। जो लोग कर रहे थे उनको नहीं पकड़ा गया, पहली गलती। दूसरी गलती क्या हुई कि सीजीआई ने एनिमल्स को सीज किया, और जहाँ पे एंट्री करनी होती है कि जब भी आप कुछ भी जब्त करते हैं ना, कोई भी डिपार्टमेंट सीज करेगा तो उनको मेमो बनाना पड़ता है कि आपने क्या सीज किया, कितने वैल्यू का सीज किया, है ना। इवन जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अगर कोई पेड़ काट के उसकी क्या कर रहे हैं, अवैध तस्करी करता है पेड़ की, तो पेड़ का भी उसमें फिर बताना पड़ता है, पेड़ की मोटाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ना सब कुछ डिटेल डालना पड़ता है। जब कैटल स्मगलिंग का मामला आया तो जब इन्होंने मेमो बनाया बीएसएफ ने, तो मेमो में बड़े बड़े काव पकड़े गए थे, बट उन्होंने छोटे छोटे लिखे। छोटे छोटे लिखने से क्या हुआ, छोटे छोटे लिखने से क्या हुआ, छोटे छोटे लिखे तो उसका वैल्यूएशन भी कम होगा, है ना। तो जो गाय 80,000 की है वो अपने ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि भैया 30,000 रुपये की गाय है। जो भी माल सीज होता है, गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट किसी भी चीज़ को सीज करता है, तो वो थोड़े समय के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, ऑक्शन कर देती है उसका, है ना। या तो जिसके लिए जिसका सीज किया है वो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दे कि नहीं भैया मैं इलीगल नहीं काम कर रहा था, मेरा लीगल काम था, तो फिर वापस उसको मिल जाएगा, अदरवाइज गवर्नमेंट थोड़े टाइम बाद ऑक्शन कर देगी, है ना। तो अब साधारण तौर पे ये हर जगह होता है कस्टम्स वगैरह में कि उसका कम वैल्यू दिखाते हैं, जितना उसकी एक्चुअल वैल्यू हो उससे कम वैल्यू होती है, और फिर जो स्टाफ होता है वो मिलजुल के उसको बेच लेता है ना। तो सबका आपस में मिली भगत रहता है, दिल्ली में भी कस्टम्स वगैरह में खूब चलता है ये सब, है ना। तो हुआ क्या कि उन्होंने कम वैल्यू दिखाया अपने मेमो बुक में, मेमो बुक में कम वैल्यू दिखाया, और फिर हायर प्राइसेस पे बेचा, और उस हायर प्राइस में जिस प्राइस पर बेच रहे हैं ना उसका 10% कमीशन जो है, हायर प्राइस में नहीं बेचा, मतलब लोअर प्राइस में अपने जान पहचान वाले लोगों को बेचा, मतलब जिनके साथ उनका नेक्सस है, है ना, उनसे बेचा। और ध्यान से सुनना इस बात को, तीसरा मतलब विडंबना कह लो आप इसको, आयरनी कह लीजिए, कि एक तो पहले कम वैल्यू आ गई मेमो में, सरकारी रिकॉर्ड में कम वैल्यू आका, फिर कम प्राइस में अपने साथ सांठगांठ जिनके साथ उन लोगों को बेचा, जिन लोगों को बेचा उन्होंने फिर वही किया, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, है ना। मतलब घूम फिर कर बात वहीं आ गई, पहले सीज किया, फिर मेमो बुक में लिखा, फिर वहाँ पे अंडर रेट किया, फिर कम दामों में उन्हीं को बेचा, है ना, जिन्होंने पहले ट्रेड जो कर रहे थे, और फिर उन लोगों ने वापस से फिर स्मगलिंग ही की। गजब गजब। और 10% कमीशन, है ना, जो बेच रहे हैं ऑक्शन जो हो रहा है, ऑक्शन में जो भी अमाउंट है उस पर 10% का कमीशन, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, है ना, इसमें से कोई भी एक भी लाइन मेरी तरफ से नहीं है, सब कुछ इस रिपोर्ट की तरफ से, नॉट इवन अ सिंगल एडिशन इज फ्रॉम माई एंड, है ना, नॉट इवन अ सिंगल एडिशन इज फ्रॉम माई एंड। तो ये यहाँ पर स्मगलिंग का सिस्टम चल रहा है। अब इसके कंटेक्स्ट में हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप है ना, वो कैसा रिलेशनशिप है, है ना। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप से रिलेटेड जो बाकी के डायनेमिक्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे। तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का, वैसे अगर लीगल ट्रेड की बात करें, इलीगल की नहीं, इलीगल तो जो है सो है ही, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, है ना। बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर साउथ एशिया में। 2009-10
और 2015-16 है ना द ट्रेड डेफिसिट ग्रू इन इंडियाज फेवर एट अ स्ट्रैगरिंग कितना 164.4%। मतलब इंडिया को यहाँ पर सरप्लस है, बांग्लादेश को यहाँ पर हमारी ट्रेड में बांग्लादेश जो है वो निगेटिव पे है। एफडीआई फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश इज कितना 3.11 बिलियन डॉलर। भारत से बांग्लादेश में एफडीआई कितना है 3.11 बिलियन डॉलर। और काफ़ी सारी चीज़ें बांग्लादेश में बनकर इंडिया आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी आजकल मिंत्रा वगैरह पे बहुत ज़्यादा चलती है, आपको ध्यान होगा रोडस्टर है ना, रोडस्टर। तो रोडस्टर के जो कपड़े हैं वो बांग्लादेश में बनते हैं। रोडस्टर के कपड़े ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? बांग्लादेश में बनते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आजकल जो कि बांग्लादेश से बनकर इंडिया में आ रही है, भले ही कंपनी बहुत सारे केसेस में कि इंडिया का ही इन्वेस्टमेंट हो और वो कंपनी वापस बनकर यहाँ आ रही है। तो एफडीआई फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश कितना है 3.11 बिलियन, इंक्लूडिंग रिलायंस कितना, रिलायंस का कितना है 642 मिलियन डॉलर है ना, ठीक है 642 मिलियन डॉलर। क्या है 745 मेगावाट का गैस फायर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड अडानीज 400 मिलियन डॉलर है ना इन मीर सराय इकोनॉमिक जोन। तो अडानी और रिलायंस का भी पैसा लगा हुआ है, जबरदस्त पैसा लगा हुआ है, ठीक है। आज इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बेटर कनेक्टेड है एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड, रेल एंड रिवर रोड्स यूजिंग बांग्लादेशी वेसल्स, ट्रक्स एंड रेलवे, है ना, ट्रक रेलवे सब कुछ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है। तो ट्रक से, बस से, आई मीन ट्रक से, ट्रेन से और वेसल्स से, है ना, वाटर रूट के जरिए खूब ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, और इलीगल जो हो रहा है वो तो आप खैर देख ही रहे हैं। रीसेंट एग्रीमेंट्स अलाउ इंडिया टू शिप गुड्स थ्रू मोंगला पोर्ट रोड, रेल एंड वाटर रूट्स, है ना। पर इश्यूज क्या है, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज भी हैं। तो जो सबसे मेन इश्यूज हैं वो बॉर्डर इश्यूज हैं, है ना। द बॉर्डर इज क्वाइट सेंसिटिव, 294 बांग्लादेशीज वेयर किल्ड ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, है ना। तो इतने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। और अभी रिसेंटली हालांकि बांग्लादेश और इंडिया के जब जो हमारे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं और उधर जो बॉर्डर रेंजर्स के डायरेक्टर हैं, इनकी मीटिंग हुई थी, तो इसमें इन्होंने बोला कि अब जो है क्रॉस बॉर्डर जो माइग्रेशन है वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सोशल इकोनॉमिक इंडेक्सेस है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। वाटर जो है वो दूसरा एक डिफिकल्ट इशू है यहाँ पर। बांग्लादेशीज हैव ऑब्जर्व्ड द टग ऑफ वॉर ऑन तिस्ता वाटर शेयरिंग, है ना। तिस्ता वाटर शेयरिंग पे भी जो दोनों देशों में सेटलमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाया है। जो वेस्ट बंगाल है वो अपोज कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह की वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया है ना कि जब तक वेस्ट बंगाल एग्री नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे इस रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट को। इंडिया का जो कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और जो एनआरसी है उसके वजह से भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब दोनों देशों के बीच में नहीं, बांग्लादेश के लोगों के बीच में जो इंडिया के लिए थोड़ा सस्पिशन वाला मोड आ गया था, है ना। क्योंकि आपको पता है सीएए के प्रोविजंस में ऐसा था कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, उनको आने देंगे और उनको यहाँ पर हम रहने देंगे, है ना, बिकॉज दीज कंट्रीज आर मुस्लिम कंट्रीज। तो मुस्लिम्स के अलावा जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनको आने देंगे, ऐसा प्रोविजन था इसमें। तो ये भी कॉन्ट्रोवर्सियल था, तो वहाँ के लोगों के मन में थोड़ा सा मतलब ऐसा था, है ना। बांग्लादेश इज चाइना सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, है ना, चाइना का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है। चाइनीज फर्म्स हैव बीन आउट बिडिंग देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, है ना। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर चाइनीज फर्म ज़्यादा कंपिटिटिव बिडिंग कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है रिलेशनशिप में। कंसर्न देखिए बॉर्डर इशूज़ से संबंधित आपको स्मगलिंग वगैरह के बारे में बताया ही, है ना। तिस्ता वाटर का जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो इंडिया के बजाय आजकल कौन लेकर जा रहा है? इंडिया के बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट आजकल पाकिस्तान लेकर जा रहा है, सॉरी चाइना लेकर जा रहा है। तो वो एक बड़ा इशू है आज के तारीख में, है ना, समझ गए। चलिए तो एक हमारा अपडेट लास्ट बच गया रफाल का। रफाल कहाँ गया? रफाल, हाँ, तो रफाल जो है वो रिपब्लिक डे परेड में डेब्यू करने वाला है, यही अपडेट था यहाँ पे, है ना। रफाल इज गोइंग टू डेब्यू इन जो रिपब्लिक डे परेड होने वाला है। तो रफाल के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। रफाल एक ट्विन इंजन, है ना, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कैसा? मल्टी रोल। अब मल्टी रोल का मतलब क्या है? मल्टी रोल मतलब एक टाइम पे अलग अलग टास्क, है ना, फुलफिल कर सकता है। रफाल को मैन्युफैक्चरिंग किसने की? फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन, है ना, फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। रफाल इज रेफर्ड टू एज ओमनी रोल एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल, ओमनी रोल एक ही बात है, है ना। तो पॉइंट नंबर टू ही लिख रहा हूँ, मल्टी रोल या ओमनी रोल एयरक्राफ्ट।
ठीक है, इसकी जो कैपेबिलिटी है टू परफॉर्म सेवरल एक्शन एट द सेम टाइम, उसी के लिए इसको ओमनी रोल या मल्टी रोल बोला जा रहा है। ये दोनों तरह के है ना, इट कैन कैरी आउट बोथ क्या एयर टू ग्राउंड या एयर टू एयर अटैक, है ना, ये एयर टू ग्राउंड या एयर टू एयर अटैक दोनों प्रकार के अटैक्स कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है इसकी। एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो फिटेड विथ ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, है ना, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन बोर्ड मतलब एयरक्राफ्ट जब फ्लाई कर रहा है फ्लाइंग मोड में उसी समय ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रिफ्यूलिंग के लिए ऑक्सीजन वापस से हमारे पास आए उसके लिए हमें नीचे जाना नहीं पड़ेगा, फ्लाइट में ही क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा दिया गया है, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट सप्रेसेस द नीड फॉर लिक्विड ऑक्सीजन रिफिलिंग, है ना, ग्राउंड पर जाके लिक्विड ऑक्सीजन का रिफिलिंग करवाना पड़े, ग्राउंड सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से इसका फ्लाई टाइम जो है वो एनहांस हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा तो फ्लाई टाइम एक स्ट्रेच में कम फ्लाई कर पाएंगे ना। फिर रफाल ऑल्सो प्रोवाइड स्टैंडर्ड कैपेबिलिटी वैन एनी कंट्री अटैक इंडिया, स्टैंडर्ड कैपेबिलिटी मतलब सॉरी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि जवाबी कार्रवाई, है ना, जवाबी कार्रवाई के समय किस प्रकार की क्षमता है। तो रफाल अटैक करना है या डिफेंस करना है दोनों में कारगर साबित होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, छठा इंपॉर्टेंट और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रफाल में एक टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसको बोलते हैं आईसा, क्या बोलते हैं आईसा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे, क्या बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे के माध्यम से रफाल का जो रडार है उसके माध्यम से 200 से 400 किलोमीटर दूर तक पायलट देख सकता है। मतलब अभी पायलट यहाँ है दिल्ली, है ना, और 250 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर कोई जगह है उसको देख सकता है, यहीं से बैठे कुरुक्षेत्र में देख रहा है वो, अच्छा यहाँ बम है ना, यहाँ बम गिराने का ड्रिल करना है देख रहा है, ठीक है, अमृतसर के ऊपर है लाहौर देख रहा है, अच्छा यहीं वे रहे है ना। तो ये सबसे मज़ेदार बात है रफाल के बारे में कि फ्लाइट में बैठ के 200 से 400 किलोमीटर तक देख लेंगे। एयरक्राफ्ट ऑल्सो हैज सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी इन विच एयरक्राफ्ट हैज गॉट दोज सेंसर्स विच इनेबल द पायलट टू बी अवेयर ऑफ सिचुएशनैलिटी एंड डिटेक्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट, है ना, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करेगा, एनिमी एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके लिए रफाल हैज द आईसा रडार जो आपको मैं अभी बता रहा था, आईसा रडार जो है वो बहुत ज़बरदस्त का टेक्नोलॉजी है रफाल के अंदर, और रफाल का पावर है ना, रफाल का जो पावर है उसमें आईसा रडार का बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, समझ गए। तो बस आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और फिर मिलेंगे। अच्छा, आज जो 10 बजे वाली क्लास होती है हमारी, ये क्लास आज इवनिंग में है, कल नहीं हो पाई थी, आज इवनिंग में 7 PM पे होगी ये क्लास, 7 PM कह रहा हूँ, 10 PM पे होगी, 7 PM पे आज अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास रहेगी एज यूजुअल। और अभी जो क्लास होती है आपकी कौन सी, विच वन, 10 AM पे, वो आज नहीं है, उसके बदले शाम में कर लेंगे, है ना, 10 AM पे जो क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, क्योंकि कल हमने ज्योग्राफी पढ़ाई है तो वो आज नहीं है, उसके बदले हम कौन सी क्लास करना चाह रहे हैं, उसके बदले हम क्लास करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने किया था कल, कुछ क्वेश्चन किए पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, एक बार फिर से उसकी क्वेश्चन की क्लास करेंगे हम लोग, टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना, टाइम मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अभी टाइम श्योर नहीं है। तो 10 PM पे ये वाली क्लास होगी अपनी, है ना, 7 PM पे वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरा टारगेट ये है कि इस वीक में वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग खत्म कर लेंगे, है ना, वी विल बी फिनिशिंग वर्ल्ड हिस्ट्री इन दिस वीक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, है ना, डू नॉट मिस वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास। कल की क्लास में एक टॉपिक रह गया था, PDF शेयर कर दूंगा यार, देख लेना, मुझे याद नहीं कौन सा टॉपिक रह गया था, अच्छा वो ट्रेन के कोचेज वाला था, अरे वो तो विस्टा कोचेज, वो खुद से कर लोगे, कुछ है नहीं उसमें, कुछ है ही नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 7 PM पे आज वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास रेगुलर आपको अटेंड करनी है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमें एक वीक के अंदर फिनिश करना है ना, तो आप रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यू विल हैव टू अटेंड इट रेगुलरली। ये 10 PM पे कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना, एवरीवन मस्ट अटेंड दिस क्लास, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जिन लोगों ने पहले प्रीलिम दिया होगा उनको अपने आप इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी इस क्लास की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रोज 10 बजे करते हैं, है ना, अभी कल नहीं कर पाए थे और परसों भी हमारी मैराथन क्लास थी, कल परसों नहीं कर पाए थे, आज 10 बजे करेंगे इसको, तो इसमें आप सभी को आना है, जरूर से आना है ना। ये क्लास दूसरे यूट्यूब चैनल पर होती है, इसीलिए आपको टेलीग्राम पर ही लिंक मिलेगा, है ना, आपको टेलीग्राम पर लिंक मिलेगा, आरोहन यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पर ये क्लास होती है, लिंक आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लास हम 9 PM पे करते हैं, है ना,
तो ये क्लास भी करेंगे आज। आज मंडे है, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर चलेगा। मेंस कंटेंट बिल्डिंग का एक्सरसाइज चल रहा है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्कस करते हैं, बिल्कुल 360 डिग्री कवरेज। ये क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पे, है ना, दिस क्लास इज ऑन अनअकैडमी ऐप। तो कुछ क्लासेस ऐप पे हैं, कुछ यूट्यूब पे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये क्लासेस यहीं पे होती है जो आप अभी अटेंड कर रहे थे। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि टेलीग्राम पे जुड़े रहिए आप, है ना, यहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर एंशियंट हिस्ट्री की क्लास, है ना, एंशियंट हिस्ट्री की क्लास हमने एक्चुअली पहले की है, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट मैं आपको आज अपडेट करवा के, है ना, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। इस वीडियो के कमेंट्स में भी मैं पिन करवा दूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस का लिंक, ठीक है। तो आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी, वहीं पे आपको सारे डिटेल्स मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो YouTube लाइव की टाइमिंग्स आपको पता है, है ना, फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स आपको पता है, बाकी कुछ भी चेंज होगा तो आपको वहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 18 तारीख यानी कि कल से नया बैच शुरू हुआ है 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए। तो ये जो नए बैचेस शुरू हुए हैं, इन नए बैचेस में इंग्लिश मीडियम के बैचेस हैं, हिंदी मीडियम के बैचेस हैं और इंग्लिश के भी बैचेस हैं। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, है ना, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, जो आईएएस ऑफिसर्स जॉब छोड़ चुके हैं ऐसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं हमारे साथ, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, ऑनलाइन के बढ़िया बढ़िया टीचर्स, ऑफलाइन के बढ़िया बढ़िया टीचर, तो मतलब जिसको आप बोलते हैं ना गैलेक्सी ऑफ द बेस्ट माइंड्स इज हियर विथ अस विथ अनअकैडमी, है ना। तो हर टीचर अपना अपना स्पेसिफिक डोमेन, अपना अपना स्पेशलाइजेशन का एरिया जो है वो ले रहा है। तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप यहाँ पे आइए, हमसे जुड़िए, एक इफेक्टिव प्रिपरेशन कीजिए। खासकर जैसे जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, और ऐसे टाइम में मतलब खुद से अगर हाथ पांव मारेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हाथ पैर मारिए, है ना। तो थोड़ी इफेक्टिव प्रिपरेशन रहेगी आपकी और आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो पाएगा। आप बिल्कुल एक अच्छे एटमोसफेयर में पढ़ाई कर रहे होंगे, एक प्रोडक्टिव आउटकम जो है आपका निकल कर आएगा, है ना। 2021 वालों को तो बिल्कुल मतलब फटाक से ज्वाइन कर लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो लोग 22 और 23 के लिए प्लान कर रहे हैं उनको भी मेरा सजेशन तो यही है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, अच्छे से वाइजली प्लान कीजिए इसको, पूरे प्रिपरेशन को, है ना। जितना ज़्यादा टाइम आप एक्स्ट्रा जाने देंगे, क्योंकि देखो यूट्यूब का कुछ है ना अंत नहीं है। YouTube पे आप आज मेरी क्लास देख रहे हैं, कल किसी और की क्लास देखेंगे, परसों किसी और की क्लास देखेंगे, जो कि आप लोग साधारण तौर पे करते हैं, है ना। तो ये कहानी खत्म ही नहीं होगी, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे बिल्कुल, है ना। इतना सा अटेंड किया, खत्म हुआ, है ना, ये पोर्शन खत्म हुआ, वो पोर्शन किया, वो पोर्शन खत्म हुआ, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपको टीचर गाइड कर रहे होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, तो उस चीज़ों का काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकता है वहाँ पे, है ना। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को। और खासकर मतलब ऐसा मैं कंपलसरी नहीं कह रहा, आप काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल थोड़े इश्यूज रहते हैं, बट जिनको फाइनेंस वगैरह का इशू नहीं है, जो मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दे मस्ट जॉइन इट। अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो आप थोड़े सेल्फ स्टडी कीजिए, थोड़ा यूट्यूब सेशन का फ़ायदा उठाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाता है यहाँ पे, क्विजेज मिल जाता है, सब कुछ उसी में है ना, उसी सब्सक्रिप्शन में है, पूरा का पूरा जीएस, पूरा का पूरा सीसेट, प्री मेंस दोनों के लिए, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं। जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो ध्यान रखिए कोड आपको ये वाला यूज़ करना है, डीएन लाइव, है ना, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है इस कोड को यूज़ करने से, और आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो आपका जो भी इशूज़ वगैरह है वो मैं वहाँ पे आपके रिजॉल्व कर दूंगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको यही वाला कोड यूज़ करना है, बाकी सारी आपको बात पता है। कल एक टॉपिक रह गया था विस्टाडोम, बताया तो मैंने, विस्टाडोम वाला आप खुद कर लेंगे, है ना। जो 10 बजे क्लास नहीं, अभी तो बताया यार 10 बजे क्लास नहीं है, है ना। 49,000 वन ईयर का फी है, 72,000 टू ईयर का फी है, और 3 ईयर का लगता तो सिर्फ 90,000 है। वन ईयर का भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, जो मान लीजिए 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, वो मेंस तक का सोच के लेंगे ना, कि सिर्फ प्रीलिम्स टारगेट है, तो वन ईयर का भी लेते हैं तो इट्स ऑनली 4,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। अगर ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कीजिएगा तो आप 4,000 रुपीज़ पर मंथ है। जो 3 ईयर्स का ले रहे हैं उनके लिए इट्स ऑनली 2,500 रुपीज़ पर मंथ। इतने इससे ज़्यादा ट्यूशन में देना पड़ता है यार, है ना। डीएल लाइव मेरा कोड है, इसी कोड को आपको यूज़ करना है। तो ये तो बिना डिस्काउंट के, जब आप डिस्काउंट के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 3 ईयर वालों को जो कॉस्ट है वो कितना है, वो कितना है, लगभग लगभग वही 2,500 के आसपास, और जो आपके 12 मंथ्स वाले हैं उनका कॉस्ट भी वैसा ही है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब चीप है, काफ़ी रीजनेबल है, आराम से आप अवेल कर सकते हैं, डिस्काउंट अवेल कीजिए। साथ में जो आपने स्पेशल क्लासेस देखी हुई ऐप पे, जो फ्री क्लासेस आप देखते हैं, है
है ना, उन फ्री क्लासेस का भी आपको क्या मिलता है, उन फ्री क्लासेस से भी आपको डिस्काउंट मिलता है ना, फ्री क्लासेस से भी आपको डिस्काउंट मिलता है। कैसे, आप अपना अकाउंट खोलिएगा तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कॉइन्स, जितने कॉइन्स हैं आपके पास है ना, गोल्ड कलर का सिंबल बना होगा, कॉइन्स बने हुए, जितने कॉइन्स हैं उतने रुपये कम हो जाएंगे। 3000 कॉइन्स हैं आपके पास अगर, तो 3000 रुपये आपके कम हो जाएंगे, 2000 कॉइन है 2000 रुपये कम हो जाएंगे, 1000 कॉइन है, जितने कॉइन्स हैं उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दबा के फ्री क्लास देखिए ऐप पे, है ना, जब भी मैं करवाऊँ उस क्लास को देखिए। जैसे आज रात 9 बजे है, एक क्लास तो फिक्स है, एक दूसरी क्लास इंटरनेशनल रिलेशन के टेस्ट की होगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा, जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन कीजिए और अच्छा खासा आपको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट मंथ है, जनवरी का महीना है ना, साल की शुरुआत हो चुकी है, आप भी अपनी प्रिपरेशन की ज़बरदस्त शुरुआत कीजिए, अच्छे से प्लान कीजिए, है ना, अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है, जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल सॉलिड वाली पढ़ाई कीजिए, है ना। चलिए, दैट्स इट फॉर नाउ, मिलेंगे फिर से शाम को, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी डे, आई विल अपडेट द PDF राइट नाउ ऑन टेलीग्राम, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडी, लेट्स क्रैक इट, 2021 उम्मीद है, याद रखिएगा।